हाय एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। और आज हम मार्च के इम्पॉर्टेंट प्लेसेस कवर करेंगे जो भी न्यूज़ में रहे हैं। ठीक है, हम अपनी अप्रोच सेम रखेंगे, जहां पर पहले हम चीज़ों का कॉन्टेक्स्ट जानने की कोशिश करेंगे कि वो न्यूज़ में क्यों था और हमारे एग्जाम के लिए क्यों रेलेवेंट है, और उसके बाद हम उनको मैप में लोकेट करेंगे जो भी इम्पॉर्टेंट जगहें हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा नेटो। आपको पता है कि इस वॉर की वजह से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे टॉपिक्स न्यूज़ में आए हैं। ठीक है, और हमने उन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से भी करना है। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक है दैट इज़ नेटो, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। हमें पता है कि जब वर्ल्ड वॉर टू हुआ था फ्रॉम 1939 टू 45, उसके बाद ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। अभी ये न्यूज़ में क्यों है, ये हमारे लिए जानना ज़रूरी है। आपको पता है कि रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, और उसमें से जो सबसे मेजर रीज़न है वॉर का, दैट इज़ रशिया नहीं चाहता कि यूक्रेन भी नेटो को ज्वाइन कर ले और नेटो कहीं ना कहीं रशिया के बॉर्डर पे आके बैठ जाए। ठीक है, दिस इज़ द बॉर्डर ऑफ रशिया, और यूक्रेन अगर ज्वाइन कर लेता है तो रशिया के बॉर्डर पे नेटो आ जाएगा। इनफैक्ट कोई भी कंट्री नहीं चाहेगी कि उसके बॉर्डर पे कोई भी एनिमी कंट्री आके बैठे। ठीक है, इसलिए नेटो काफ़ी न्यूज़ में था। एक्चुअली जब नेटो की फॉर्मेशन हुई तो हमें पता है देयर वर 12 स्टेट्स इन नेटो। 12 स्टेट से इन्होंने इतना एक्सपैंड कर लिया है आज तक अपने आप को कि अभी ये ऑलमोस्ट 30 स्टेट्स बन गए हैं। ठीक है, हालांकि इन्होंने इनिशियली प्रॉमिस किया था कि हम ये 12 स्टेट्स ही रहेंगे, हम अपना एक्सपेंशन नहीं करेंगे, बट दे ब्रॉक दिस प्रॉमिस, और अभी इन्होंने इतना एक्सपेंशन कर लिया है कि ये अराउंड 30 स्टेट्स बन गए हैं। दैट इज़ वाई रशिया इज़ ऑफ द फियर कि ये कहीं यूक्रेन को भी अपने अंदर ना ले लें और हमारे बॉर्डर पर आगे ना बैठ जाएँ। ठीक है, तो 1949 में ये ट्रीटी साइन हुई थी। और नेटो का अगर हम ऑब्जेक्टिव देखें या फिर आप पर्पस देखें कि ये बनाई किस लिए गई थी, तो ये बेसिकली ये एक जो है एक मिलिट्री अलायंस है। जब मैं मिलिट्री अलायंस यहाँ पर आपको कह रही हूँ, तो मिलिट्री अलायंस का ये मतलब है कि किसी भी नेटो मेंबर पे किसी अदर कंट्री ने अटैक किया तो वो अटैक जो है पूरे नेटो पे अटैक समझा जाएगा, और सारे नेटो मेंबर ग्रुप, नेटो एज अ ग्रुप विल कम टू डिफेंड दैट पर्टिकुलर कंट्री जिसपे अटैक हुआ है। ठीक है, जिस मेंबर ग्रुप पे अटैक हुआ है, इसीलिए ये एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं, आप हमें सारे मेंबर्स के नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है डेफिनेटली, बट हमें इसका थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि ये ग्रुप क्या है, कब बना था, क्या ऑब्जेक्टिव है, वगैरह वगैरह, राइट। अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें, एक फैक्चुअल पॉइंट, तो ये ब्रसेल्स बेल्जियम में सिचुएटेड है, राइट। आई वॉन्ट ऑल ऑफ़ यू टू लुक एट दिस मैप। ये मैप ये कह रहा है कि ये वाली जो डार्क पर्पल वाली जो कंट्रीज हैं, इसने नेटो को 1997 से पहले ज्वाइन किया था, और उसके बाद 1997 के बाद नेटो जो है रशिया की तरफ एक्सपैंड करता हुआ जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर ये जितनी भी कंट्रीज़ हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल एस्टोनिया, लैथुआ, लिथुआनिया जो कि बाल्टिक कंट्रीज़ हैं, फिर चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, ये सब यहाँ पर सिचुएटेड हैं ये कंट्रीज़। ठीक है, क्रोएशिया, मोंटेनिग्रो, अल्बेनिया, नॉर्थ मैकेडोनिया और बल्गेरिया, ये सब जो है यहाँ पर ये सिचुएटेड हैं। तो नेटो ने अपना एक्सपेंशन ईस्टवर्ड कर लिया, ईस्टवर्ड एज इन टुवर्ड्स दी रशिया। ठीक है, इसीलिए ये एक कंसर्न भी है और बहुत कंट्रोवर्शियल भी है। आई एम श्योर आपको नेटो के बारे में समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज आर्कटिक काउंसिल। हमें पता है, अगर हम कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं, तो हमें पता है ग्लोबल वार्मिंग इज इंक्रीजिंग। ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने से की वजह से आर्कटिक रीजन में, आपको पता है नॉर्थ पोल, साउथ पोल, आपको पता है आर्कटिक रीजन, एंटार्कटिक रीजन। ठीक है, आर्कटिक रीजन की जो बर्फ है वो पिघल रही है, वो मेल्ट हो रही है, और मेल्ट होने की वजह से वहाँ पर जो हाइड्रोकार्बन्स हैं या फिर वो रिसोर्सेज वहाँ पर हैं, क्योंकि वो एक बहुत रिसोर्स रिच एरिया है, तो वो हाइड्रोकार्बन्स को एक्सट्रैक्ट करना, उनको यूटिलाइज करना ईजी हो गया है, क्योंकि अब जैसे जैसे बर्फ़ पिघलेगी तो हम वहाँ पर रूट्स बना सकते हैं, शिपिंग रूट्स बना सकते हैं, उन रिसोर्सेज तक पहुँच सकते हैं, उनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उनको यूटिलाइज कर सकते फॉर फर्दर इकोनॉमिक यूजेस, राइट। नाउ रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेज ने एक पॉलिसी निकाली है, आर्कटिक पॉलिसी। आर्कटिक पॉलिसी का जो टाइटल है वो आप याद रख सकते हो, इंडिया एंड दी आर्कटिक बिल्डिंग अ पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दिस इज द टाइटल ऑफ दैट पॉलिसी। पॉलिसी क्या कहती है? पॉलिसी ये कहती है कि हमें जो है इंडिया को जितना पार्टिसिपेशन हो सकता है आर्कटिक काउंसिल में उतना बढ़ाना है, जितने भी मेंबर्स हैं उनके साथ कहीं ना कहीं अपने अपने फ्रेंडली रिलेशंस को इंक्रीज करना है, ताकि हम भी कहीं ना कहीं जो शिपिंग रूट्स हैं या फिर जो वहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स हैं, वहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं, उनका यूटिलाइज कर सकें। जो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आर्कटिक काउंसिल के हम मेंबर स्टेट्स जो मैंने आपको बोला वो हम क्विकली देख लेते हैं, कौन कौन से मेंबर स्टेट्स हैं। सो उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जो आर्कटिक काउंसिल है वो ओटावा डिक्लेरेशन से बनी थी, जो कि 1996 में
इस्टैब्लिश हुआ था, राइट. कुछ अब डायरेक्टली मैप पे आ जाते हैं, मैपिंग पे देख लेती हूँ मैं, देख बता देती हूँ मैं कि कौन कौन से कंट्रीज हैं. सो इट स्टार्ट्स विथ कैनेडा, कैनेडा, फिर उसके बाद हम आ जाते हैं यूएस, फिर रशिया, उसके बाद ये स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड वाले ये जो कंट्रीज़ हैं, तो आप ये देख सकते हैं डेनमार्क, ग्रीनलैंड जो कि डेनमार्क के अंडर आता है, ये सारे जो कंट्रीज़ हैं. तो ये बेसिकली ये सारे मेंबर कंट्रीज़ हैं जो आर्कटिक काउंसिल को बॉर्डर भी करते हैं और ये आर्कटिक काउंसिल का पार्ट भी है. अगर हम इंडिया के स्टेटस की बात करें तो इंडिया का स्टेटस है ऑब्जर्वर स्टेटस. आर्कटिक काउंसिल के जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं वो साथ में मिलके जितने भी डिसीजंस होते हैं वो लेते हैं. तो सारे कंट्रीज़ की इंपॉर्टेंस है यहाँ पर, राइट. आई होप आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो गया, एज वेल एज आपको पूरा मैपिंग पोर्शन भी क्लियर हो गया रिगार्डिंग आर्कटिक काउंसिल. सो दैट वॉज ऑल अबाउट इट. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज बिम्स्टेक. बिम्स्टेक एक बहुत पुराना ग्रुप है, ठीक है. अभी ये न्यूज़ में क्यों है हम ये समझ लेते हैं. एक्चुअली इनकी अभी रिसेंटली एक आप बोल सकते हो इन्होंने अपना एक चार्टर बनाया है अराउंड काफ़ी इट्स बीन आई गेस 20 to 25 years ये पहले बना था और इसकी बहुत कम मीटिंग्स होती हैं, विच इज़ अ सैड पॉइंट. फाइनली इन्होंने जाके अपना एक चार्टर रिलीज़ कर दिया है, चार्टर बना लिया है. चार्टर बनाने का मतलब ये है कि हमने अपनी चीज़ों को ना बहुत अच्छे से हम स्ट्रक्चराइज कर लिया है, ठीक है. या फिर एक प्रोफेशनल लैंग्वेज में आप बोल सकते हो कि हम अब इनको एक लीगल पर्सनालिटी बोल सकते हैं, एक लीगल स्टेटस उसको मिल गया है, लीगल पर्सनालिटी हम अब इसको बोल सकते हैं. इसका मतलब इनके पास अपना खुद का एम्बलम होगा, खुद का फ्लैग है, ठीक है. तो दिस वाज द कॉन्टेक्स्ट, ये कॉन्टेक्स्ट था कि इन्होंने चार्टर अपना प्रेजेंट किया है, राइट. अगर हम बिम्स्टेक की एज अ ग्रुप बात करें, क्योंकि हमारे प्रॉब्लम्स के लिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो बिम्स्टेक जो कंट्री है, बिम्स्टेक हमें पता है इज़ अ 7 member states का ग्रुप, एंड दो 7 members इंक्लूड कौन कौन से स्टेट्स हैं, इंडिया, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड भूटान. हम डायरेक्टली मैप पे चलते हैं और मैप पे इनको क्विकली लोकेट कर लेते हैं. सो दिस इज इंडिया, वी नो नेपाल, भूटान, म्यांमार इज हियर, राइट. फिर आपका इंडोनेशिया इधर पड़ता है और थाईलैंड आपका इधर पड़ता है, ठीक है. तो एंड श्रीलंका वी नो, ये बिम्स्टेक ग्रुप के मेंबर्स हैं, ठीक है. हमने मैप में लोकेट कर लिया. अगर हम इनकी इकोनॉमिक वैल्यू की बात करें तो इकोनॉमिकली दे होल्ड फॉर 22% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन अलॉन्ग विद, इनकी कंबाइंड जीडीपी की बात करें तो इनकी कंबाइंड जीडीपी इज 3.7 trillions. तो ये भी हम याद रख सकते हैं. और अगर हम इनके एक प्रिंसिपल की बात करें, प्रिंसिपल इनका ये कहता है कि हम एक दूसरे के सॉवरन प्रिंसिपल्स को, सॉवरनिटी को एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है. एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे, ठीक है. एक दूसरे के घरेलू उसमें नहीं घुसेंगे, ठीक है. तो एक कहीं ना कहीं जो रिस्पेक्ट वाला दर्जा है इन सारे स्टेट्स के बीच में मेंटेन है और यही इनका एक बेसिक प्रिंसिपल भी है, ठीक है. तो आई होप आपको कॉन्टेक्स्ट और उसका मैपिंग एरिया भी समझ आ गया होगा. सारे मेंबर कंट्रीज आपको याद रखने हैं. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज BBIN. BBIN स्टैंड्स फॉर बांग्लादेश, भूटान, इंडिया एंड नेपाल. रिसेंटली इन सारे कंट्रीज ने एक मोटर व्हीकल अग्रीमेंट पास करा है. वी मस्ट अंडरस्टैंड कि मोटर व्हीकल अग्रीमेंट क्या है, उसके बाद हम थोड़ा मैपिंग पोर्शन पे जाते हैं. तो समझिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाना चाहती हूँ. सपोज दिस इज ओके, दिस इज इंडिया, वी नो, ठीक है. इंडिया से मान लो कोई भी एक्सपोर्ट करना है हमने चीज़ बांग्लादेश में, ठीक. अभी क्या करते हैं हम, जब से ये अग्रीमेंट नहीं आया था उससे पहले हम क्या करते थे कि मान लो ये ट्रक नंबर एक्स है या कोई भी व्हीकल, कोई भी रजिस्टर्ड व्हीकल है नंबर एक्स, वो इंडिया से सामान लेके जाता था, इसके बॉर्डर पे रुकता था, बॉर्डर पे वो सामान को अनलोड किया जाता था और उसके बाद दूसरे व्हीकल में जो बांग्लादेश का होता था उसमें रीलोड किया जाता था और तब फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचता था वो सामान. अब आप इसमें सोचिए कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है. एक तो लॉजिस्टिक कॉस्ट हमारा बहुत ज़्यादा आ जाएगा अगर हम बार बार रीलोड अनलोड करते रहे चीज़ों को. दूसरा, हमारा जो एक्सपोर्ट है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ होता है. सपोज हम कुछ खाने की चीज़ भेज रहे हैं वहाँ पर, ठीक है, तो बार बार खाने की चीज़ों को हम रीलोड अनलोड ये सब चीज़ें करेंगे तो वो भी ख़राब हो सकती हैं, ठीक है. तो बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो रही थी. इसीलिए टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम सारी कंट्रीज, सारे ग्रुप्स जो हैं एक एक्ट के साथ, एक अग्रीमेंट पे के साथ आए. और वो अग्रीमेंट है BBIN अग्रीमेंट, जहाँ पर क्या है कि आपका जो भी ट्रक है जो इंडिया से स्टार्ट हो रहा है वो डेफिनेटली वो रजिस्टर्ड व्हीकल होना चाहिए. और भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन हैं बट वो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है. तो जो भी एक ट्रक है वो ही सीधा जाएगा फाइनल डेस्टिनेशन पे और वो ही सामान जो है एक्सपोर्ट करके आएगा. ये अब हो गया है इस अग्रीमेंट के साइन होने के बाद,
ठीक है, पर ये जो अग्रीमेंट है ये सिर्फ इन चार नेशन स्टेट्स के या चार ग्रुप के बीच में ही रहेगा। यहाँ पर एक पॉइंट आपको याद रखना है कि ये सिर्फ एक्सपोर्ट से रिलेटेड नहीं है, दिस ऑल्सो इंक्लूड पैसेंजर्स इनटू इट, ठीक है। और पैसेंजर इंक्लूड होता है तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि ये कल्चरल बॉन्ड या कल्चरल टाइज को बहुत इंक्रीज करेगा, बहुत प्रमोट करेगा चारों ग्रुप्स के बीच में, क्योंकि पैसेंजर भी हम इजीली जा सकते हैं एक देश से दूसरे देश, ठीक है, अलॉन्ग विद हमारा एक्सपोर्ट या इंपोर्ट जो भी है वो भी जा सकता है। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट या कार्गो प्रोटोकॉल्स ये जो भी है ये इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वी हैव डन दिस। अब यहाँ पर एक बैंक का नाम आप देखेंगे, ADB का यहाँ पर क्या रोल है, एक्चुअली कोई सिर्फ इतना रोल है कि ये जो पूरा अग्रीमेंट है, ठीक है, इसके पूरे प्रोसेस में, इसके इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस में ADB इस पूरे को हेल्प करने वाला है, ठीक है। और ADB हमें पता है सिचुएटेड इन मनीला, ठीक है, फिलीपींस में जो सिचुएटेड है। अब एक और पॉइंट है जो आप याद रख सकते हैं, यहाँ पर एक भूटान के लिए एक पॉइंट है। भूटान हमें पता है एक कार्बन नेगेटिव कंट्री है, ठीक है, कि वहाँ पर कार्बन एमिशंस नेगेटिवली होते हैं। तो अभी इस अग्रीमेंट को ना भूटान ने ऐसा बोला है कि हम इसको नहीं, वी कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ इट, क्योंकि हम चाहते हैं हम कार्बन नेगेटिव कंट्री हैं और कार्बन नेगेटिव ही रहें। अगर दूसरे देश से या जो भी है अगर ट्रांसपोर्ट आएगा, व्हीकल आएंगे तो व्हीकुलर एमिशन्स होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, चीज़ें बढ़ेंगी, हम नहीं चाहते कि हम अपना कार्बन नेगेटिव वाला स्टेटस खो दें। तो एज ऑफ नाउ हमें कार्बन नेगेटिव ही रहना है, वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम अभी इस अग्रीमेंट का पार्ट नहीं बन सकते। तो आप ये वाला पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं, राइट। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू नाउ। दैट वॉज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर न्यूज़। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है बुकारेस्ट 9। बुकारेस्ट 9 अगेन एक ग्रुप है कुछ नेटो मेंबर्स का, सारी यूरोपियन कंट्रीज हैं। कॉन्टेक्स्ट में इसीलिए थी, न्यूज़ में इसीलिए थी क्योंकि इन कंट्रीज ने ऐसा बोला है कि जो हम लोग कोई एक्सपेंशन नहीं कर रहे, तो रशिया पता नहीं क्यों वॉर कर रहा है या ये सब, बट नेटो का तो कोई एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, तो दिस इज़ व्हाट देयर स्टेटमेंट वाज। बट एनीवेज वो पॉलिटिकल चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है हमारा एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम में क्या आ सकता है, बुकारेस्ट 9 में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती है, तो क्विकली हम मैप पे आ जाते हैं और मैप में देख लेते हैं कि सबसे पहले कंट्री है एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया। आपको पता है ये ऊपर से शुरू होती है, बाल्टिक नेशंस हैं। उसके बाद पोलैंड, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, बल्गेरिया, ठीक है, ये सारे भी जो आपको ग्रीन में दिख रहे हैं आर द 9 कंट्रीज जो कि नेटो की मेम्बर्स हैं, राइट। और यहाँ पर प्रेजेंट है रशिया जो कि एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया के बॉर्डर पे सिचुएटेड है, और यहाँ पर आपका प्रेजेंट है यूक्रेन जिसका बॉर्डर भी रशिया से लगता है। यहाँ पर आप एक ये वाला स्टेट, एक ये वाली कंट्री याद रख सकते हैं, बेलारूस, जो कि नेटो का मेंबर नहीं है बट यूक्रेन और रशिया के बॉर्डर पे है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट बुकारेस्ट 9। इसके ग्रुपिंग के बारे में हमने देख लिया, हमारे लिए इंपॉर्टेंट वही था कि हम इसकी कंट्रीज को एक बार क्विकली मैप कर लें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज ब्लैक सी, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, चाहे वो मेडिटेरेनियन सी हो गया, ब्लैक सी हो गया, रेड सी हो गया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं विद रिस्पेक्ट टू द कंट्रीज बॉर्डरिंग द पर्टिकुलर सी। तो हम वो भी देखेंगे कि कौन कौन सी कंट्री बॉर्डर करती है, उससे पहले हम देख लेते हैं कि क्या कॉन्टेक्स्ट है, ब्लैक सी न्यूज़ में क्यों था। तो एक्चुअली रिसेंटली अभी क्या हुआ है कि ब्लैक सी के कुछ शिपिंग रूट्स को ना चोक कर दिया गया, बंद कर दिया गया, ठीक है, ये वॉर की वजह से कुछ जगहों को बंद कर दिया गया, इसलिए ये न्यूज़ में था। बट हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम ब्लैक सी की लोकेशन देखें और उसकी बॉर्डरिंग स्टेट्स देखें। तो लोकेशन की जब हम बात करते हैं तो ये वाली जो सी है, ब्लैक सी इज सिचुएटेड हियर, ये साउथ ईस्टर्न यूरोप, यहाँ पर आपका पड़ता है ये यूरोप, सॉरी दिस इज यूरोप और ये टर्की, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो आपका सी पड़ता है दैट इज ब्लैक सी, राइट, एंड इट इज़ कनेक्टेड टू, ये किस चीज़ से कनेक्टेड है, अटलांटिक ओशन वाया विच सी, वाया मेडिटेरेनियन सी जो कि यहाँ पर सिचुएटेड है, एंड एजियन सी, ठीक है, एजियन सी जो कि आपकी यहाँ पर सिचुएटेड है डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेट्स से। किस चीज़ से कनेक्ट, स्ट्रेट से। स्ट्रेट आपको पता है, स्ट्रेट क्या होते हैं, जब जो दो वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करते हैं, कोई यू नो नैरो वाटर बॉडीज़ होती हैं जो कि बड़ी वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करती हैं, उनको हम स्ट्रेट्स कहते हैं। आपने इस्थमस के बारे में भी सुना होगा, जब स्ट्रेट आप पढ़ते हैं तो इस्थमस भी आप पढ़ते होंगे। इस्थमस जो होता है वो लैंड को कनेक्ट करता है, या आप बोल सकते हो कि एक लैंड का नैरो स्ट्रिप होता है जो बड़ी लैंड मासेस को कनेक्ट करता है, इस इस्थमस। तो आपको इन स्ट्रेट्स और इस्थमस के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब उसके अलावा हम यहाँ पर दो स्ट्रेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। दोज टू स्ट्रेट्स आर स्ट्रेट्स ऑफ
फॉर अ स्ट्रेट एंड डार्डनल स्ट्रेट, ठीक है, और उनका रेलेवेंस भी देखेंगे ब्लैक सी के पर्सपेक्टिव में. चलिए तो हाँ जी, बॉस्फोरस स्ट्रेट आप यहाँ देखेंगे, बॉस्फोरस स्ट्रेट जो है वो ब्लैक सी को कनेक्ट करता है किससे, मार्मरा से, ठीक है. उसके बाद डार्डनल स्ट्रेट जो है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, इट कनेक्ट्स द ब्लैक सी टू द एजियन सी. तो इन दोनों को जो कनेक्ट करता है वो है डार्डनल स्ट्रेट, ठीक है. आपको तो ये दो स्ट्रेट्स की सिग्निफिकेंस समझ आ गई और इनकी लोकेशन भी समझ आ गई. ये दोनों ही स्ट्रेट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, राइट. सो ये हमारा हो गया स्टेट्स के बारे में. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज तापी पर नर्मदा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट. हमें पता है इस साल के बजट में कुछ अनाउंसमेंट्स हुए थे और बजट और इकोनॉमिक सर्वे के अनाउंसमेंट्स हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे एग्जाम के लिए. बजट में ये बोला गया कि हमें कुछ 5 इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट सबकी बार कंप्लीट करने हैं, ठीक है. उसमें से ये एक इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट था, इसीलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बजट में मेंशन था. आइए समझ लेते हैं तापी पर नर्मदा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट क्या है. एक्चुअली होता क्या है, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट का मेजर जो एम होता है वो ये होता है कि कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं हमारे कंट्री में जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, और कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं जहाँ पर पानी कम होता है. तो इनका मेजर एजेंडा होता है रिवर को इंटरलिंक करने का. मतलब होता है कि जहाँ पानी ज़्यादा है हम कुछ डैम्स बना के उस पानी को चैनलाइज कर दें उस एरिया की तरफ जहाँ पर पानी कम है, ताकि ज़्यादा पानी वाले एरिया में फ्लड रिलीफ मिल जाए और जहाँ पर कम पानी है वहाँ पर ड्रॉट रिलीफ मिल जाए, ठीक है. दोनों जगहों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और रिवर भी अच्छे से चैनलाइज होके हम उसके पानी को अच्छे से यूटिलाइज कर सके. दिस इज द मेजर ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इंटरलिंकिंग द डिफरेंट रिवर्स, राइट. टॉकिंग अबाउट तापी पर नर्मदा रिवर, तो हमें पता है इसके हम ओरिजिन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं. तो पर रिवर इज रिवर ऑफ महाराष्ट्र जो कि नासिक से ओरिजिनेट होती है. तापी की अगर हम बात करें, वेरी फेमस एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट रिवर, सतपुरा से ओरिजिनेट होती है, ठीक है. और नर्मदा जो है वो मध्य प्रदेश की रिवर है, मध्य प्रदेश में ओरिजिनेट होती है. अगर मैप पे हम क्विकली लोकेट कर ले तो ये जो है आपको दिख रहा होगा गुजरात वाला रीजन है. इनकेस अगर आप इसको पूरे नेशनल मैप से इमेजिन नहीं कर पा रहे हो तो ये गुजरात वाला रीजन है, ठीक है. यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला जो रीजन है, यहाँ से पर रिवर जो है आपकी स्टार्ट होती है. उसके बाद यहाँ पे तापी और नर्मदा इन दोनों के ऊपर है, ठीक है. इसकी हल्की मतलब थोड़ा सा ब्रीफली आपको लोकेशन पता होनी चाहिए, थोड़ा नॉर्थ टू साउथ आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, राइट. और हम ये पूरा इंटरलिंकिंग जो प्रोजेक्ट है उसको कैसे अचीव करने वाले हैं, हम एक्चुअली यहाँ पर ना अलॉन्ग विद दीज रिवर्स हम यहाँ पर कुछ डैम्स बनाने वाले हैं, ठीक है. इन डैम्स को यूज़ करके ही हम पानी को चैनलाइज करेंगे एक रिवर से दूसरी या एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है. एंड दैट इज़ हाउ वी आर गोइंग टू अचीव द एंटायर प्रोजेक्ट. कितने डैम्स बनाने वाले हैं दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट If it is mentioned here, let me tell you, there are 7 dams we are going to make. In dams के नाम I don't think आपको याद करने की ज़रूरत है, बस आपको interlinking project का जो major objective है वो पता होना चाहिए और आपको कुछ जो rivers हैं उनकी locations और उनके origin जो भी origin है उनका वो सब पता होना चाहिए. That is it. All right. So that was about this topic. Up next we have Indian Ocean Naval Symposium, IONS. Indian Ocean Naval Symposium. So recently अभी एक exercise हुई है, maritime exercise. राइट गोवा में कंडक्ट हुई है. सो IONS की एक मैरिटाइम एक्सरसाइज हुई है, गोवा में कंडक्ट हुई है. दैट इज़ वाई इट वॉज इन न्यूज़. हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि ये ग्रुप क्या है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है और मैप में कौन हम इसको लोकेट करना, मतलब जो भी मेंबर कंट्रीज हैं उनको एक बारी मैप में देखना, ये हमारा आज का जॉब है, राइट. तो अगर इस टॉपिक के बारे में बात करें, इस ग्रुप के बारे में बात करें, तो ये एक वॉलंट्री इनिशिएटिव है. वॉलंट्री इनिशिएटिव, वॉलंट्री मतलब अपनी मर्जी वाला, ठीक है. वॉलंट्री इनिशिएटिव है ताकि जो ये कंट्रीज हैं, ठीक है, ये जो भी कंट्रीज हैं जो इंडियन ओशन रीजन के आसपास हैं, ठीक है, ये जो भी कंट्रीज हैं इनमें एक तरीके का कोऑपरेशन बढ़ सके, ठीक है. इसीलिए इस ग्रुप को इनिशियली बनाया गया था, राइट. कोऑपरेशन बढ़ सके, कहीं ना कहीं IOR की इंडियन ओशन रीजन की सिक्योरिटी बढ़ सके. और आपको पता है इंडिया को तो मतलब इंडिया तो वांट्स कि इट शुड बिकम अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर व्हेन इट कम्स टू इंडियन ओशन रीजन, ताकि चाइना को भी हम कहीं ना कहीं काउंटर कर सकें. और हमें तो ये है ही कि हमें जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं उनको कहीं ना कहीं उनके साथ एक बहुत फ्रेंडली रिलेशन रखना है, क्योंकि हम चाहते नहीं हम नहीं चाहते कि चाइना आके इंडियन ओशन रीजन में कोई इंटरफेरेंस करे. तो चाइना को काउंटर करने के लिए ये वाला जो ऐसे वाले जो ग्रुप होते हैं वो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. तो स्ट्रेटेजिकली ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, राइट. तो सिक्योरिटी कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए भी कहीं ना कहीं हम
ऐसे ग्रुप्स की हमें ज़रूरत होती है. नाउ कम्स टू द मेंबर स्टेट्स. आई एम श्योर आपको बहुत सारे मेंबर स्टेट्स, सारे मेंबर स्टेट्स याद नहीं रहेंगे, पर मैं चाहती हूँ कि आप दो मेंबर स्टेट्स इसके याद कर लें. ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन याद रखना है, यूके और फ्रांस. आपके दिमाग में आएगा कि IONS इंडियन ओशन रीजन के तो आसपास भी नहीं है. यूके और फ्रांस, यूके इज़ इन यूरोप, फ्रांस इज़ ऑल्सो इन यूरोप. ठीक है, तो ये तो इंडियन ओशन के आसपास भी नहीं है, बट फिर भी ये मेंबर स्टेट्स हैं. ये आपको याद रखना है. मेंबर स्टेट्स किस लिए हैं? क्योंकि यूके का एक आर्किपेलेगो है जो हमने पढ़ा भी, विच इज़ चागोज आर्किपेलेगो इंडियन ओशन में सिचुएटेड है, इसीलिए यूके इस ग्रुप का मेंबर है. अगर हम फ्रांस की बात करें, फ्रांस का भी एक आइलैंड है जो कि इंडियन ओशन रीजन में सिचुएटेड है, विच इज़ रीयूनियन आइलैंड, इसीलिए फ्रांस भी इस ग्रुप का मेंबर है. तो ये दो मेंबर्स आप ज़रूर याद रखें अपने एग्जाम के लिए. ठीक है, चलिए, दिस वॉज ऑल अबाउट दिस टॉपिक. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है मानस नेशनल पार्क. मानस नेशनल पार्क, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको सबसे पहले जानने की ज़रूरत है कि ये कहाँ पर सिचुएटेड है, तो असम में ये लोकेटेड है. राइट, हमें यहाँ पर, हम ये यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं, या फिर मानस नेशनल पार्क का रीसेंट डेवलपमेंट क्या है, वो ये है कि यहाँ पर राइनोसेरोस की जो पॉपुलेशन है और टाइगर की जो पॉपुलेशन है, उनमें एक बढ़ोतरी, उनमें एक इंक्रीज देखने को मिला है. अगर हम बात करते हैं अबाउट दिस पर्टिकुलर नेशनल पार्क ओनली, तो ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है. उसके साथ साथ ये एक टाइगर रिजर्व भी है, ये एक एलिफेंट रिजर्व भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है, और ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है. ऐसे स्टेटस, इतने कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटस, ऐसे स्टेटस बहुत कम जगहों को मिलते हैं, तो ऐसे जगह हमें याद रखनी चाहिए. मानस इज वन ऑफ देम, विच इज सिचुएटेड इन असम. इसकी फेब में, फेब वाले करंट अफेयर्स में हम लोकेशन भी कवर कर चुके हैं. अगर आपको एग्जैक्टली लोकेशन देखनी है तो हम वो कवर कर चुके हैं ऑलरेडी. ठीक है, और उसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर जो मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं या मेजर जो रिवर है वो ब्रह्मपुत्र है, हमें पता है. ठीक है, और जो मेजर जिससे इसका नाम आया है, मानस इसका नाम आया है एक रिवर से, विच इज़ रिवर मानस, जो कि ब्रह्मपुत्र की ही एक ट्रिब्यूटरी है. ठीक, अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर यहाँ पर कुछ एंडेंजर्ड और कुछ रेयर स्पीशीज रहती हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल टाइगर, ग्रेट वन हॉर्न राइनो, तो ये आपको याद रखना है, ये यहाँ की काफ़ी इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ है. उसके अलावा पिग्मी हॉग और बंगाल फ्लोरिकन भी यहाँ पर मिलते हैं. जितने भी इंडियन स्पीशीज़ हैं वो हमारे एग्ज़ाम के लिए ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. हाँ, अगर आप न्यूज़ में कोई फॉरेन स्पीशीज़ के बारे में सुनो, आप उनको स्किप कर सकते हो डेफिनेटली, बट इंडियन स्पीशीज़ को आप स्किप मत करिएगा. UPSC इंडियन स्पीशीज़ के बारे में बहुत क्वेश्चंस पूछता है. राइट, चलिए, तो इतना ही आपको इसके बारे में पढ़ना है. अब नेक्स्ट वी हैव परमा फ्रॉस्ट पीटलैंड्स. हम समझते हैं, पहले तो इन दोनों वर्ड्स का मतलब हमें समझना पता होना चाहिए. इन दोनों का मतलब पता होगा तभी हम कॉन्टेक्स्ट समझ पाएंगे और तभी हम मैपिंग एरिया पे प्रोसीड कर पाएंगे. परमा फ्रॉस्ट का क्या मतलब होता है, पीटलैंड्स का क्या मतलब होता है? परमा फ्रॉस्ट जब आप सुनते हो तो शायद कुछ ऐसा लगता होगा कि ओके, इट मस्ट बी समथिंग रिलेटेड विद कोल्ड थिंग्स और द कूल थिंग्स और द कोल्ड एरियाज. डेफिनेटली यू आर राइट, परमा फ्रॉस्ट का वही मतलब होता है. जनरली ऐसे एरियाज जहाँ पर जीरो या जीरो से कम टेम्परेचर रहता है फॉर एटलीस्ट 2 years, उन रीजन्स को हम परमा फ्रॉस्ट रीजन्स कहते हैं. राइट, अगर हम पीटलैंड्स की बात करें तो पीटलैंड हमें पता है पीट इज़ अ फॉर्म ऑफ कोल एंड इट इज़ द पुअरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल. राइट, बट हमें याद ये रखना है कि ये बहुत हेल्पफुल होता है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, बहुत यूज़फुल होता है. यूज़फुल कैसे होता है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड का सिंक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करके रखता है. तो पीटलैंड्स कार्बन को जो है आपके एटमॉस्फेयर में एमिट नहीं होने देता, इसीलिए पीटलैंड्स का बहुत मेजर सिग्निफिकेंस है हमारे एनवायरनमेंट में. बट अभी रिसेंटली क्या हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर में इतने ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, इतना स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट हो रहा है, कि ये जो पीटलैंड्स है, परमाफ्रॉस्ट पीटलैंड्स हैं, ये जो हैं मेल्ट हो रहे हैं. और क्योंकि मेल्ट हो रहे हैं तो इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो कि ये होल्ड करके रखे हुए थे इतने सालों तक, अभी वो रिलीज हो रही है एंड इट इज़ गेटिंग एमिटेड इन टू दी एटमॉस्फेयर, विच इज़ हार्मफुल फॉर अस एज वेल एज फॉर आर एनवायरनमेंट डेफिनेटली. ठीक है, इसीलिए ये न्यूज़ में था. तो जो चीज़ों का है, एक टिपिंग पॉइंट आ गया है, मतलब कहीं ना कहीं चीज़ें मेल्ट हो रही हैं या लूज़ कर रही हैं कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर से. हम पढ़ चुके हैं परमा फ्रॉस्ट पीटलैंड के बारे में, हम ये भी पढ़ चुके हैं कि कार्बन स्टोर की तरह ये काम करता है, और अभी क्या हो रहा है, वी आर डन विद दैट ऑल्सो. अगर हम थोड़ा सा ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन देखें पीटलैंड्स का, तो हमें यहाँ पर पोलर रीजन में पीटलैंड्स मिलेंगे, ऑलमोस्ट तो पोलर रीजन्स में ही मिलेंगे, फिर थोड़े बहुत आपको इधर नीचे स्कैटर्ड फॉर्म में मिलेंगे, पर पोलर रीजन में आपको मेजरली जो है परमाफ्रॉस्ट पीटलैंड्स मिलेंगे, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को होल्ड किए हुए थे बट अभी एमिट करेंगे अनफॉर्चुनेटली.
राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज करेवास. करेवास करेवास न्यूज़ में क्यों था, करेवास है क्या, पहले हमें ये समझना पड़ेगा. तो करेवास जब भी आपके माइंड में आता है तो आई एम श्योर आपके दिमाग में करेवास से सैफ्रन याद आता होगा आपको, क्योंकि सैफ्रन इस लैंड पे, इस ज़मीन पे सैफ्रन को उगाया जाता है. करेवास होते क्या है, करेवास आप याद रख सकते हो, करेवास इज़ अ टाइप ऑफ एल्यूवियल सॉइल. बहुत फर्टाइल सॉइल होती है, फर्टाइल एल्यूवियल सॉइल होती है. हमें पता है एल्यूवियल सॉइल इज़ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल वी हैव. तो फर्टाइल सॉइल होती है जहाँ पर सैफ्रन की खेती होती है. ये एक बेसिक नॉलेज है जो हमें पता है. अब क्वेश्चन ये आता है कि करेवास की फॉर्मेशन हुई कैसे, क्योंकि ये हिमालयाज़ में, यहाँ पर जम्मू कश्मीर में ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट लोकेशन पे है, तो हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए थोड़े इसके जियोलॉजिकल फिनोमेना के बारे में कि इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई. तो इसकी जो फॉर्मेशन है हम उसको बोलते हैं या लैकेस्ट्राइन डिपोजिशन. वो कैसे बनते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए ये ग्रेटर हिमालय है, ठीक है, ये हिमालयाज़ हैं और यू नो ये लेसर हिमालयाज़ हैं और ये शिवा, ये नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में आप इसको इमेजिन करिएगा, ठीक. तो क्या हुआ, यहाँ पर सपोज देर वॉज अ लेक. विथ टाइम ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर क्या होता है कि जो लेसर हिमालयाज़ है वो अपर हिमालयाज़ की तरफ, ग्रेटर हिमालयाज़ की तरफ पुश होते हैं. हमें पता है ये कॉम्प्रेशन वाला जो चीज़ है वो चलता रहता है, ठीक. पुश जब होते हैं तो ये एक फॉल्ट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है. पुश होंगे ऊपर की तरफ, पुश होके यहाँ पर एक फॉल्ट क्रिएट हो जाएगा. फॉल्ट जब क्रिएट होगा तो इस लेक का पानी नीचे की तरफ सीप होना शुरू हो जाएगा. नीचे की तरफ जब सीप होना शुरू हो जाएगा तो पानी तो सारा नीचे आ जाएगा, बट यहाँ पर लेक के जो सेडिमेंट्स थे वो यहीं रह जाएंगे और उन्हीं सेडिमेंट्स का एक डिपोजिशन हो जाएगा, जिसको हम लैक्यूस्ट्राइन डिपोजिशन बोलते हैं, ठीक है. और इन्हीं डिपोजिशन से ये सॉइल बनी है जिसका नाम हम बोलते हैं करेवास. करेवा इज अ सॉइल जो कि इस पर्टिकुलर प्रोसेस से बनती है, ठीक है. बहुत फर्टाइल होती है, ये हम देख चुके हैं, ठीक. अच्छा, तो हम इसका पूरा प्रोसेस भी समझ चुके हैं. अगर हम थोड़े से मैपिंग पोर्शन पे इसका आ जाते हैं तो जम्मू कश्मीर वाले पार्ट में यहाँ पर ये करेवा की फॉर्मेशन होती है, ठीक है. तो दिस वॉज अबाउट करेवा फॉर्मेशन. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज बामियान बुद्धा. बामियान बुद्धा एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत पहले से चलता आ रहा है. कोई अगर एस्पायरेंट 10 साल पहले भी प्रिपेयर कर रहा होगा उसने भी बामियान मुद्दा पढ़ा होगा, हमें भी बामियान मुद्दा पढ़ना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है. और क्योंकि जब से तालिबान आया है तब से ये हमारे लिए थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अफगानिस्तान काफ़ी न्यूज़ में रहा है. तो ये है कहाँ पर, इट इज़ सिचुएटेड इन अफगानिस्तान. इसका प्रेजेंट डे क्या रिलेवेंस है, एक्चुअली तालिबान ने रिसेंटली कुछ बुद्धिस्ट साइट को डिस्ट्रॉय करने से मना कर दिया. उन्होंने बोला है कि हम तो इनकी बहुत इज्जत करते हैं, हम इनको नहीं डिस्ट्रॉय करेंगे. अच्छा जी, अगर आप इतनी इज्जत करते हो तो आपने बामियान मुद्दा को क्यों एक्सप्लोर किया था, आपने बामियान बुद्धा को डिस्ट्रॉय कर दिया था, ठीक है, उस बहुत बुरी हालत कर दी थी. तो पर अभी तालिबान इज़ ऑफ अ डिफरेंट ओपिनियन, पर हमें उनकी इंटेंशन समझनी पड़ेगी कि उनका जो ये ओपिनियन अब डिफर कर रहा है वो किस वजह से कर रहा है. वो इस वजह से कर रहा है क्योंकि दे वॉन्ट कि इस रीजन में जो कि मेस आयनक रीजन है, जहाँ पर कुछ बुद्धिस्ट साइट्स हैं, वो इनको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते. उनका रीज़न ये है, या वो इनको प्रिजर्व करना चाहते हैं आप बोल सकते हैं. उनका रीज़न ये है कि क्योंकि इस रीजन में कुछ कॉपर माइंस हैं. आपको पता है कि कॉपर माइंस है तो वो चाहते हैं कहीं ना कहीं चाइना का इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना, ठीक है. तो वो इकोनॉमिकली अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट की वजह से ये कर रहे हैं, ना कि किसी चेंज ऑफ हर्ट की वजह से. सो दिस इज़ द रीजन, दिस इज़ द बेसिक रीज़न. अगर हम बामियान बुद्धा की बात कर रहे हैं ऑन दी अनदर हैंड, तो बामियान बुद्धा हिंदू कुश माउंटेन में सिचुएटेड है जो कि अफगानिस्तान में सिचुएटेड है. ये आप जगह याद रखेंगे, विच एंड इट डेट्स बैक टू 5th century, ठीक है. तब ये बना था, सबसे काफ़ी टॉलेस्ट बुद्धा का स्टैचू था, बट अभी इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है. हालांकि इसको थोड़ा रिस्टोर करने की भी हमने कोशिश करी है, बट डिस्ट्रॉय तो ये हो ही चुका है. लोकली इसको सालसल या शमामा के नाम से जानते हैं, ठीक है. और ये काफ़ी अच्छा एक आप बोल सकते हो काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है ऑफ द गुप्ता ससानियन, मतलब ईरानियन, ईरान का जो एम्पायर है उसको बोलते हैं हम ससानियन एम्पायर या फिर ईरानियन एम्पायर, और हेलेनिस्टिक आर्टिस्टिक स्टाइल्स का जो ग्रीक वगैरह, आप ये सब हिस्ट्री में पढ़ेंगे. यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा दे दिया था 2000, भी इसके रिगार्डिंग याद रख सकते हैं. दिस इज़ द पिक्चर, वो एक्सप्लोर होने के बाद ये की एक पिक्चर ली गई है, ये आप देख सकते हैं. तो आई होप ये आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट और इसकी लोकेशन दोनों ही क्लियर है, ठीक है जी. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज बॉम्ब साइक्लोन ओवर नॉर्थ अटलांटिक. पढ़ने से पहले हमें समझना पड़ेगा
कि बॉम्ब साइक्लोन होता क्या है, कैसे आता है, इसका पूरा प्रोसेस देखेंगे, ठीक है। और ये वहाँ पर कुछ कुछ रीजन्स में आया है, लाइक फॉर एग्जांपल आयरलैंड और यूके में, तो ये कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग हरिकेन विंड्स लेके और है ना ये साइक्लोन आया है, इसलिए ये न्यूज़ में था। अगर हम आयरलैंड और यूके की बात करें तो हम वर्ल्ड मैप में इफ़ वी सी, दिस इज़ द प्लेस जहाँ पर दोनों सिचुएटेड हैं, यूरोप में, ठीक है। हमें पता है जब एक साइक्लोन की फॉर्मेशन होती है, साइक्लोन की फॉर्मेशन सपोज, ओके लेट मी मेक दिस हियर ओनली, साइक्लोन की फॉर्मेशन हमें पता है कुछ ऐसे से फॉर्म में होती है। यहाँ पर आय होता है, हमें पता है कि जो भी वार्म एयर होती हैं वो राइज करती हैं, कूल एयर में मिल जाती हैं और रोटेट होना शुरू हो जाती हैं, रोटेट होती हैं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन उनका शुरू हो जाता है। नदर हेमिस्फेयर की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, नदर हेमिस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होना शुरू हो जाता है, ठीक है, और ऐसे साइक्लोन की फॉर्मेशन हो जाती है। साइक्लोन की फॉर्मेशन के लिए कुछ बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स हैं जो चाहिए होते हैं, ठीक है। वो कुछ रिक्वायरमेंट्स मैं आपको क्विकली बता देना चाहती हूँ कि अराउंड 26-27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए ताकि साइक्लोन की बेटर फॉर्मेशन हो। उसके अलावा यहाँ पर ना कुछ ऊपर के रीजन में कुछ हवा बहरी होती है जिसको हम वर्टिकल विंड शेयर बोलते हैं, वो वर्टिकल विंड शेयर जो है वो कम होनी चाहिए, ठीक है, मतलब कम तेजी से हवा बहनी चाहिए ताकि ऊपर जो क्लाउड्स प्रेजेंट हैं, ऊपर वाले रीजन में जो बादल प्रेजेंट हैं, क्लाउड्स प्रेजेंट हैं, वो हट ना जाएं, क्योंकि अगर क्लाउड्स हट गए तो प्रेसिपिटेशन नहीं हो पाएगा और साइक्लोन इंटेंस नहीं हो पाएगा, बेसिकली साइक्लोन की फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी, हम ये बोल सकते हैं। उसके अलावा हमें ह्यूमिडिटी भी चाहिए होती है, ठीक है, ह्यूमिडिटी होगी तभी प्रेसिपिटेशन होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट हमें कोरियोलिस फोर्स चाहिए होता है। कोरियोलिस फोर्स नहीं होता तो साइक्लोन की फॉर्मेशन भी नहीं होती, ठीक है। कोरियोलिस फोर्स आप अपनी ज्योग्राफी की क्लासेस में पढ़ेंगे, बट यस अभी आप ये याद रखिए कि साइक्लोन की फॉर्मेशन में कोरियोलिस फोर्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, राइट, क्योंकि इक्वेटर पे नहीं होता इसलिए इक्वेटर पे हमें साइक्लोन की फॉर्मेशन भी नहीं दिखाई देती, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आय का जो टेम्परेचर है वो लो टेम्परेचर होना चाहिए। तो ये कुछ कुछ के आप बोल सकते हो कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि साइक्लोन की फॉर्मेशन के लिए चाहिए। अब हम आते हैं बॉम्ब साइक्लोन क्या होता है, हमने समझ लिया साइक्लोन क्या होता है, कैसे बनता है, क्या कंडीशन है। नाउ लेट इस कम टू बॉम्ब साइक्लोन एंड इट्स फॉर्मेशन। तो बॉम्ब शायद आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि अच्छा आय में जितना कम टेम्परेचर होगा या जितना इंटेंसिटी का साइक्लोन होगा उसको हम बॉम्ब साइक्लोन कहते हैं, या आय में जितना कम टेम्परेचर होगा, नहीं, आय में टेम्परेचर कम नहीं, कम होगा या ज़्यादा होगा इससे हम साइक्लोन को बॉम्ब साइक्लोन नहीं कैटेगराइज करते, इन प्रेशर, ठीक है। तो आय में जितना प्रेशर है, जितना कम प्रेशर है, ज़्यादा प्रेशर है, उस हिसाब से नहीं, बल्कि आय का जो प्रेशर है वो किस कितने स्तर से गिरता है उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं वेदर अ साइक्लोन इज बॉम्ब साइक्लोन और नॉट। मैं इसको आपका एग्जांपल देती हूँ, कितने स्तर से गिरना चाहिए टू फॉर अ साइक्लोन टू बिकम अ बॉम्ब साइक्लोन। इसका एग्जांपल इज अगर वो 24 मिलीबार्स प्रेशर तक गिर जाता है ओवर 24 आवर्स तो हम उसको बॉम्ब साइक्लोन बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये उसके कुछ मेजरिंग क्राइटेरियाज हैं, राइट। आई होप आपको पूरा टॉपिक समझ आ गया होगा, राइट। और ये ऐसा बेसिकली हो क्यों रहा है, क्योंकि हमें पता है हमें नॉर्दर्न एरिया में, नॉर्थ अटलांटिक एरिया में हमें पोलर वॉर्टेक्स देखने को मिला है। पोलर वॉर्टेक्स अगेन इज अ लो प्रेशर फॉर्मेशन ऑफ अ लो प्रेशर एरिया ओनली ओवर द पोल्स, ठीक है। तो ये सब भी ये भी कहीं ना कहीं उसको हेल्प कर रहा है चीज़ों को और ज़्यादा बढ़ने में, राइट। चलिए, दैट वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक, आगे बढ़े। नेक्स्ट टॉपिक इज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। आपने दो पॉलिसीज़ के बारे में सुना होगा, लुक ईस्ट पॉलिसी एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी, और कई बार बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन भी हो जाता है कि एक्ट ईस्ट क्या है और लुक ईस्ट। क्विकली आपको सबसे पहले डिफरेंस बताना चाहूँगी यहाँ पर कि लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट में क्या है। तो लुक ईस्ट की जब हम बात करते हैं ना, तो एक तो सबसे पहले ये पुरानी पॉलिसी है, 1991 में नरसिम्हा राव के टाइम पे, जो हमारे PM थे उनके टाइम पे ये लुक ईस्ट पॉलिसी लाई गई थी। इसमें बेसिक फोकस क्या था कि हमें कुछ ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ ना अपने इकोनॉमिक टाइज को बनाना है, और वो ईस्टर्न कंट्रीज़ में मेजरली जो थे वो आसियान नेशंस थे, ठीक है, कि आसियान नेशंस के साथ हमें अपने इकोनॉमिक टाइज बढ़ाने हैं। एक्ट ईस्ट में क्या है, एक तो ये मोदी गवर्नमेंट आने के बाद हुआ है, सो इट्स अ न्यू पॉलिसी, राइट। सेकंड इज कि अब हम सिर्फ इकोनॉमिक टाइज के बारे में नहीं बात करते हैं, अब नाउ वी टॉक अबाउट बिल्डिंग इकोनॉमिक टाइज, वी टॉक अबाउट बिल्डिंग स्ट्रेटेजिक टाइज, वी टॉक अबाउट बिल्डिंग कल्चरल टाइज। तो हमने जो है अपना स्कोप एक्सपैंड कर दिया है फॉर मेकिंग अ बेटर रिलेशनशिप विद द ईस्टर्न कंट्रीज, जो कि
काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड इज़ अ वेरी गुड स्टेप, इज़ अ वेरी कमेंडेबल स्टेप. और इसमें सिर्फ आसियान नेशंस ही अब इन्वॉल्व नहीं है, हमने कंट्रीज़ के पर्सपेक्टिव से भी कंट्रीज़ को भी इंक्रीज़ किया है. मतलब कंट्रीज़ को भी ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ को इस दायरे में लाने की कोशिश करी है. लाइक फॉर एग्जांपल जापान के साथ और है ना, थोड़ा इन सब कंट्रीज़ के साथ भी हमने अपने रिलेशन को बेटर करने का कोशिश किया है. ये मेजर डिफरेंस है लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी में. एक्ट ईस्ट का जो अभी रिसेंटली एक वेबिनार कंडक्ट हुआ था, इसीलिए ये न्यूज़ में थी, राइट. अगर आप कुछ कंट्रीज़ के बारे में देखें तो ये जो है आपके आसियान नेशंस हैं, उसके साथ आप थोड़ा थोड़ा यू नो इस साइड भी एक्ट ईस्ट में बढ़ रहे हो. तो ये जो ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, ये हमारे हम इन कंट्रीज़ पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं. इसका एक और रीज़न है, वो रीज़न है कि हम कहीं ना कहीं काउंटर करना चाहते हैं चाइना को भी, ठीक है. इसीलिए भी हम अपने रिलेशनशिप्स बेटर करना चाहते हैं टू दीज कंट्रीज़. ऑलराइट, सो दैट वाज ऑल अबाउट इट. अब नेक्स्ट वी हैव मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस. मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस, इसको शायद सुनते ही आपके दिमाग में आता होगा कि हमें किसी एक पर्टिकुलर कंट्री को ना फेवर करना है, ठीक. पर इसका ये मतलब नहीं है, दिस इज़ अ मिसनोमर. इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब फेवरेटिज्म नहीं है, इसका मतलब है गिविंग इक्वल ट्रीट. दिस इज इक्वल, गिविंग इक्वल ट्रीट, दिस इज नॉट फेवरेटिज्म, दिस इज गिविंग इक्वल ट्रीटमेंट. मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए. सपोज ये एक कंट्री एक्स है और ये कंट्री वाई है. इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये WTO का एक प्रिंसिपल है, ठीक है. मोस्ट फेवर्ड नेशन जो है ये WTO के अंदर आता है. WTO ने ये बनाया था. WTO ने ये कहा कि जितने भी WTO के, विच इज़ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें अराउंड 164 मेंबर्स हैं और जो कि ट्रेड को बेसिकली फेयर रखने के लिए एक बॉडी बनाई गई है हमारे वर्ल्ड में, राइट. तो WTO के मेंबर्स ने ये डिसाइड किया हुआ है, WTO ने ये डिसाइड किया हुआ है कि जितने भी हमारे मेंबर्स हैं WTO के, उनमें कोई भी भेदभाव नहीं होगा, उन सबको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा. मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ. सपोज एक मेंबर है X, WTO का एक मेंबर है Y, ठीक है. तो X क्या कर रहा है कि 5% का टैरिफ कम कर रहा है वाई को एक्सपोर्ट करते टाइम या कुछ भी, ठीक है. मतलब इसको थोड़ा छूट में अपनी चीज़ें दे रहा है, ठीक ठीक है. अब ये रूल ये कहता है कि अगर आप वाई को 5% का टैरिफ कम कर रहे हो ना, 5% की छूट दे रहे हो ना, तो और भी जितने भी ए बी सी जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं ना WTO के, आपको सबको 5% का टैरिफ कम करना पड़ेगा, ठीक है. दिस इज़ व्हाट गिविंग इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल द WTO कंट्रीज एंड दिस इज़ व्हाट मोस्ट फेवर्ड नेशन. हम पाकिस्तान को इस स्टेटस से हटा चुके हैं पुलवामा अटैक के बाद, पर और वो जस्टिफाइड भी है, ठीक है. बट WTO वैसे जनरली कहता है कि आपको इक्वल स्टेटस सब स्टेट्स को देना है. दिस वाज अबाउट MFN, मोस्ट फेवर्ड नेशंस. तो और अभी ये न्यूज़ में क्यों था? न्यूज़ में इसीलिए था क्योंकि US और बाकी सारे कंट्रीज़ प्लान कर रहे हैं कि हम रशिया को MFN स्टेटस से हटा दें, क्योंकि रशिया इन्वेडेड यूक्रेन, इसीलिए वो चाहते हैं कि रशिया को ये स्टेटस नहीं मिलना चाहिए, इसलिए ये न्यूज़ में था. बाकी हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट था टू अंडरस्टैंड कि MFN होता क्या है, जो आई गेस आप सबको समझ आ गया होगा. ऑलराइट, मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक है साउथ चाइना सी डिस्प्यूट. अगेन ये सी भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी न्यूज़ में रहती है आए दिन. आई थिंक ऑलमोस्ट आपको इतने सारे एडिटोरियल्स इसके बारे में पढ़ने को मिलेंगे. साउथ चाइना, इस पर बहुत सारे एडिटोरियल्स आते हैं, न्यूज़ आती है, क्योंकि चाइना कुछ ना कुछ तो करता ही रहता है वहाँ पे, तो ये न्यूज़ में काफ़ी रहता है. आज हम पूरा पर्सपेक्टिव इसका समझेंगे अलॉन्ग विद इसका मैपिंग पोर्शन हम देखेंगे. पहले हम कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं कि अभी रिसेंटली क्या हुआ है. रिसेंटली ये हुआ है कि चाइना ने कुछ बेसिकली फिर से कुछ चीज़ों को वॉयलेट किया है, इसीलिए ये न्यूज़ में था. और अगर हम इस सी की पर्टिकुलरली बात करें तो इस सी पे बहुत सारे कंट्रीज़ के ओवरलैपिंग क्लेम्स हैं. ओवरलैपिंग क्लेम्स का मतलब होता है कि एक ही टेरिटरी पे जब बहुत सारे कंट्रीज़ क्लेम करते हैं ना कि ये लैंड तो मेरी है, वो कहता है ये मेरी है, वो कहता है ये मेरी है, उसको कहते हैं ओवरलैपिंग ट्रेड्स. तो आपको पता है कि बहुत सारे साउथ चाइना सी में ऐसे आइलैंड्स हैं स्पेशली, जिन पे चाइना और भी बाकी स्टेट्स के साथ ओवरलैपिंग चाइना के क्लेम्स हैं, ठीक है. इसीलिए काफ़ी न्यूज़ में भी रहता है, राइट. अगर हम साउथ चाइना सी की लोकेशन की बात करें तो ये वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में सिचुएटेड है, साउथ ईस्ट एशिया में हम अभी देखते हैं. एंड इट कनेक्ट्स ताइवान स्ट्रेट विद ईस्ट चाइना सी, ठीक है. साउथ चाइना सी है, राइट. अगर हम इसके बॉर्डरिंग कंट्रीज़ की बात करें तो यहाँ पर आपको वियतनाम देखने को मिलेगा, चाइना ऑफकोर्स यहाँ आपको देखने को मिलेगा, ताइवान मिलेगा, फिलीपींस मिलेगा, मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्रुनाई यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, राइट. ये
काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि चाइना ये क्लेम करता है कि हमारे यहाँ पर ये एक 9 डैश लाइन है। अगर आपको ये रेड एरिया में ये पोर्शन दिख रहा हो, दीज आर दी 9 लाइन्स। चाइना ये कहता है कि ये 9 डैश लाइन है और इसके अंदर वाला जितना भी रीजन है वो सारा हमारा है, और यही डिस्प्यूट का कारण है ये 9 डैश लाइन और चाइना के ये फालतू के क्लेम्स। अब हमारे लिए जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हमें कुछ आइलैंड्स को लोकेट करना है। उसमें से पहला आइलैंड है पारासल आइलैंड, जो कि काफ़ी न्यूज़ में होता है, तो हम ये देख लेते हैं पारासल आइलैंड की लोकेशन है ये। यहाँ पर पारासल आइलैंड सिचुएटेड है। पारासल आइलैंड काफ़ी स्टेट्स के बीच में, जब भी मैं स्टेट बोल रही हूँ उसका मतलब कंट्री है, तो ये आप ऑटोमेटिकली समझ जाइएगा, ठीक है। तो पारासल आइलैंड काफ़ी सारे स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट है, और वो स्टेट्स हैं ताइवान फर्स्ट, ताइवान भी इस पर क्लेम करता है, सॉरी चाइना क्लेम करता है, ताइवान क्लेम करता है और वियतनाम क्लेम करता है, ठीक है। इट वॉज चाइना ताइवान और वियतनाम, ये तीन कंट्रीज़ यहाँ पर क्लेम करते हैं पारासल आइलैंड में। उसके अलावा दूसरा जो आइलैंड है जो मैं याद रखना है, दिस इज़ स्पार्टले आइलैंड, ठीक है। पारासल के नीचे सिचुएटेड है स्पार्टले आइलैंड, और इस पर किस किन कंट्रीज़ के क्लेम है, अगेन ताइवान क्लेम करता है, चाइना क्लेम करता है, उसके अलावा वियतनाम क्लेम करता है, वियतनाम के अलावा ब्रुनाई और फिलीपींस। तो ये चारों तरफ से ये सारे कंट्रीज़ इस पे क्लेम करते हैं। उसके अलावा स्कारबोर शोल भी एक आइलैंड है जिस पे फिलीपीन, चाइना और ताइवान का क्लेम है, ठीक है जी। तो ये हमारे कुछ डिस्प्यूटेड क्लेम्स हैं या डिस्प्यूटेड ओवरलैपिंग क्लेम्स हैं जो कि काफ़ी कंट्रीज़ क्लेम करती है। साउथ चाइना सी की लोकेशन हमने देख ली, बॉर्डरिंग एरियाज़ देख लिए, और कुछ डिस्प्यूटेड आइलैंड्स हमने देख लिए, उन पे जो भी क्लेमेंट्स हैं, जो भी क्लेम करते हैं, वो कंट्रीज़ भी हम देख चुके हैं। दिस वॉज अबाउट साउथ चाइना सी डिस्प्यूट। मूविंग अहेड विद आर नेक्स्ट टॉपिक, मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन। अगेन ये वही टॉपिक है जो कि वॉर से रिलेटेड है। जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ कि वॉर की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें और काफ़ी सारे नए टॉपिक्स आपके आ गए हैं। मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन हो गया, जिनेवा कन्वेंशन हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। तो मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन को आज अभी देख लेते हैं। कन्वेंशन ये कहता है कि टर्की जो एक स्टेट है, कंट्री है, उसको हम एक पावर देते हैं। मॉन्ट्रिक्स की एक बड़ी मीटिंग हुई थी और वहाँ पर ये डिसाइड किया गया कि टर्की को हम कुछ पावर देते हैं कि वो इस एरिया में इस शिपिंग रूट को एट पर्टिकुलर टाइम्स कंट्रोल कर सकता है। ये आप एक 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 फ्रेमवर्क में समझ लीजिए कि टर्की यहाँ पर जो है वो मेन हीरो है, इसके पास ये कन्वेंशन है। तो टर्की ने अभी रिसेंटली ये किया कि रशिया को थोड़ा लिमिट करने के लिए टर्की ने कुछ शिपिंग रूट्स को बंद कर दिया कि आप अपने शिप्स यहाँ से वहाँ से नहीं भेज सकते हो, ठीक है। इसीलिए ये व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस मूव, टर्की ने क्यों किया, हमें पता ही है, ताकि वो रशिया को कहीं ना कहीं इस वॉर में लिमिट कर सके। बट यू नीड टू रिमेंबर दिस पॉइंट, एक एक्सेप्शनल क्लॉज है मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन में, और कहा जा रहा है कि वो एक्सेप्शन को यूज़ करके रशिया जो है वो अपने शिप्स को वैसे ही एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है जैसे पहले लेके जाता था। वो एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन ये है कि मान लो अगर किसी कोई भी शिप है, उस शिप का जो बेस है वो ब्लैक सी में प्रेजेंट है। वो एक्सेप्शन ये कहता है कि बेस अगर ब्लैक सी में प्रेजेंट है और आपकी वॉर के टाइम पे या किसी भी टाइम पे आपकी शिप ना मेडिटेरेनियन सी में जाके काम कर रही है, तो आपकी शिप वापस आ सकती है ब्लैक सी में। सिमिलरली अगर मेडिटेरेनियन में बेस है और वो मान लो ब्लैक सी में खड़ी है, तो मेडिटेरेनियन में वापस आ सकती है, ठीक है। सो ये है एक्सेप्शनल क्लॉज, ये कहा जाता है कि रशिया इसको यूज़ कर लेगा और इसको यूज़ करके वो अपने शिप्स का जो रूट है या ट्रांसपोर्टेशन है या मूवमेंट है, सॉरी, वो सेम रखेगा इसको यूज़ करने के बाद। बट दैट्स नॉट द पॉइंट। हमारा जो पॉइंट है और हमें जो याद रखना है वो इतना ही है कि मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन किस चीज़ से रिलेटेड है। अगर हम थोड़ी सी यहाँ पर मैप की बात करें तो हम ये दो ऑलरेडी कर चुके हैं कि ये सी ऑफ मारमरा है, यहाँ पर डार्डनल स्ट्रेट है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये बॉस्फोरस स्ट्रेट देखने को मिलेगा जो कि ब्लैक सी और मारमरा को कनेक्ट करता है, और डार्डनल जो है वो आपका एजियन और ब्लैक सी को कनेक्ट करता है, जो कि फर्दर मेडिटेरेनियन सी में को भी कनेक्ट करता है, ठीक है। तो ये दो स्ट्रेट्स आप यहाँ पर याद रखें, डार्डनल स्ट्रेट एंड बॉस्फोरस स्ट्रेट, जो हम ऑलरेडी भी कवर कर चुके हैं दो, बट जस्ट अ रेपिटेशन, जस्ट अ रिविजन, राइट। चलिए अब नेक्स्ट वी हैव बीबीएनजे और बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन। मैं ये आपको मैप दिखाना चाहती हूँ। हम सबको पता है कि कोई भी जो कंट्री होती है उसका 200 नॉटिकल माइल्स तक जब हम मेजर करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल इंडिया को ही लगा लेते हैं हम, इंडिया का ये जो 200 नॉटिकल माइल्स तक वाला जो रीजन, इसको हम कहते हैं टेरिटोरियल वाटर्स, ठीक है। 200 नॉटिकल माइल्स तक सारे कंट्री का मेजर है। अगर जब हम इसको क्रॉस कर लेते हैं 200 को, इसको हम कहते हैं हाई सीज,
हाई सी और इंटरनेशनल वाटर, राइट? सो द पार्ट विच इज बियॉन्ड द 200 नॉटिकल माइल्स वी कॉल इट हाई सीज या फिर इंटरनेशनल वाटर्स. आपको समझ आ गया ये मैप देखने के बाद? चलिए वापस पढ़ते हैं. वापस आते हैं तो बीबीएनजे क्या है, बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन क्या है. ये एक्चुअली बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब ये है कि हम एक ऐसी ट्रीटी लाना चाहते हैं या हम एक ऐसी ट्रीटी लेके आए हैं जो कि इस 200 नॉटिकल माइल्स के आगे हाई सीज जहाँ से शुरू हो जाती हैं या जहाँ से कंट्री का ज्यूरिसडिक्शन ख़त्म हो जाता है. हाई सीज में तो किसी का ज्यूरिसडिक्शन नहीं है ना, पर उसमें भी जो मरीन बायोडायवर्सिटी है उसकी उसका ध्यान कौन रखेगा, ठीक है? उनके उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी हमारे पास कोई ट्रीटी होना चाहिए, कोई प्लान होना चाहिए. उसी के लिए ये बीबीएनजे ट्रीटी आई है. आइए देख लेते हैं. सो बीबीएनजे इट स्टैंड्स फॉर बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है? ये एक इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस हुई में इनकी, मतलब एक फोर्थ मीटिंग हुई थी न्यूयॉर्क में. बेसिकली इनकी एक मीटिंग हुई है जिसमें इन्होंने कुछ चीज़ें प्लान करी हैं, राइट? इसको हम ट्रिटी ऑफ हाई सीज भी कहते हैं और मैं आपको समझा चुकी हूँ हाई सीज क्यों बोलते हैं, क्योंकि हाई सीज और या इंटरनेशनल वाटर से ही बिलोंग करता है. और इसको बनाया क्यों गया था, यूएन क्रॉस ने बनाया था, इसको बनाया क्यों गया था, ताकि ये जो इंटरनेशनल सीज हैं उसमें चीज़ों को देख सके, मरीन रिसोर्सेज को देख सके, कैसे चीज़ों को सस्टेनेबली हमने वहाँ पर कंजर्व करना है, ठीक है? या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज़ को कैसे और किस 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 लेवल तक हमने लेके जाना है, उन सब चीज़ों को ये ध्यान रख सके. इसीलिए हमने बीबीएनजे को बनाया था. ऑलराइट, सो दिस वाज अबाउट बीबीएनजे. हमने नॉटिकल माइल्स भी पढ़ा, हमने बीबीएनजे का पूरा जो है ऑब्जेक्टिव भी देखा. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. नाउ मूविंग अहेड विद अ नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट इज पेसर स्कीम. पेसर, सबसे पहले पेसर स्टैंड्स फॉर पोलर साइंस एंड क्रायोस्फेयर. ये एक स्कीम है जिसको हमने अप्रूव कर दिया है कि आप ना 2021 से 2026 तक भी कंटिन्यू रखो. एक्चुअली ये काफ़ी पुरानी स्कीम है और इसने काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हमें लाके दिए. इसने पोलर रीजन्स में काफ़ी अच्छी रिसर्च करी, ठीक है? तो अभी हमारी गवर्नमेंट ने इसको बोला है कि आप 5 साल हम आपको और एक्सटेंशन देते हैं, आप और रिसर्च करिए और अच्छे रिजल्ट्स हमारे लिए पास लेके आइए, ठीक है? ताकि हम पोलर रीजन्स को काफ़ी अच्छे से समझ सकें, उनको यूटिलाइज कर सकें, उन पर इम्प्रूवमेंट कर सकें, ठीक है? तो ये जो है इसका कॉन्टेक्स्ट था. हमें समझना ये ज़रूरी है कि ये जो बेसिकली जो स्कीम है पूरी, इसको इम्प्लीमेंट किया है NCPOR ने, विच इज़ नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, जो एक ऑटोनमस इंस्टीट्यूट है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंडर. इसका जो मेजर एम है वो हम समझ चुके हैं, ताकि हम पोलर रीजन को काफ़ी अच्छा हुआ. एक और चीज़ है जो मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहती हूँ कि क्रायोस्फेयर का मतलब. क्रायोस्फेयर से आपको ये याद आता होगा कि शायद पोलर रीजन्स को हम क्रायोस्फेयर बोल रहे हैं क्योंकि वहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है. क्रायोस्फेयर से हमें कुछ ठंड दिमाग में आती है. तो ये यहाँ पर एक चीज़ है जो मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि पोलर रीजन्स या आइस कैप का मतलब ही क्रायोस्फेयर होता है. इट कैन ऑल्सो बी परमाफ्रॉस्ट, इट कैन ऑल्सो बी लेक, इट कैन ऑल्सो बी क्रायोस्फेयर लेक भी हो सकता है. क्रायोस्फेयर एक परमाफ्रॉस्ट भी हो सकता है, एक आइसबर्ग भी हो सकता है, ठीक है? आइस शेल्फ भी हो सकता है. तो कुछ भी हो सकता है, इसका बहुत वैलिड डेफिनेशन है, ठीक है? सो दिस वॉज अबाउट पेसर स्कीम. आप ये याद रखें कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है, पोलर साइंस और क्रायोस्फेयर से रिलेटेड है. आप इसकी फुल फॉर्म तो ज़रूर याद रखिए, हो सकता है फुल फॉर्म से ही आप अपना प्रीलिम्स में स्पेशली आप अपना जो MCQ है वो सही कर पाएँ, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट स्पीशीज रिचनेस. एक्चुअली पंजाब में अभी रिसेंटली ना, पंजाब में हर बारी कुछ सर्वे होते हैं. पंजाब में एक आप बोल सकते हो वाटर बर्ड सेंसस करवाया जाता है कुछ वेटलैंड्स में, बट वो इस बारी हो नहीं पाया. तो क्योंकि वो नहीं हो पाया, तो हमारी गवर्नमेंट ने सोचा कि चलो ये नहीं हो पा रहा है कुछ फॉगी कंडीशंस और कुछ बैड क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से, तो हम स्पीशीज़ रिचनेस सर्वे करवा लेते हैं, ठीक है? हम समझेंगे कि वो कौन कौन से वेटलैंड्स हैं जहाँ पर ये सर्वे होता है, अलॉन्ग विथ व्हाट स्पीशीज़ रिचनेस क्या होता है, ठीक है? मैं क्विकली आपको वो सारे वेटलैंड्स के नाम बता देती हूँ जहाँ पर ये सेंसस करवाया जाता है. द फर्स्ट इज़ नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देन रोपर कॉन्जर्वेशन रिजर्व, हरिके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंजली, केशवपुर,
एंड रंजीत सागर कॉन्जर्वेशन रिजर्व, ये सारे वेटलैंड साइट्स हैं जहाँ पर ये बर्ड सेंसस, वाटर सेंसस करवाया जाता था. ठीक है, अब की बार नहीं हुआ क्योंकि हमने ये देख लिया. तो इस बार ये हमने स्पीशीज रिचनेस सर्वे करवाया. अब क्वेश्चन ये आता है स्पीशीज रिचनेस क्या होता है. आपने एनवायरमेंट इकोलॉजी में ये दो कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, स्पीशीज रिचनेस और स्पीशीज इवननेस. मैं आपको क्विकली एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझा देती हूँ. आप आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू ड्रॉ इट क्योंकि आई एम श्योर इससे अच्छा एग्जाम्पल आपको शायद ही किसी ने पढ़ाया होगा. सो स्पीशीज रिचनेस और स्पीशीज इवननेस. सपोज ये एक फॉरेस्ट है जिसमें एप की स्पीशीज है 100, चिंपैंजी की स्पीशीज है 80 और गोरिल्ला है 50 इस पर्टिकुलर फॉरेस्ट में, एक्स फॉरेस्ट में. ये है फॉरेस्ट वाई, जहाँ पर एप भी है, जहाँ पर चिंपैंजी भी है, जहाँ पर गोरिल्ला भी है और यहाँ पर मंकी भी है, राइट. बट एप इज इन थाउजेंड, लाइक थाउजेंड इन नंबर. चिंपैंजी इज 80 इन नंबर, गोरिल्ला इज 50 इन नंबर, मंकी इज 20 इन नंबर. ठीक है, अब यहाँ से इन दोनों फॉरेस्ट में से क्या आप बता सकते हो कि कौन सा स्पीशीज रिच है और कौन सा स्पीशीज इवन है? डेफिनेटली ये वाला जो फॉरेस्ट है, ये स्पीशीज इवन है क्योंकि यहाँ पर जो नंबर्स हैं स्पीशीज़ के वो आपको ज़्यादा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड लग रहे होंगे. एप की पॉपुलेशन भी 100 के आसपास है, चिंपैंजी की पॉपुलेशन भी 80 के आसपास है, ठीक है, गोरिल्ला की स्पीशीज़ भी 50 के आसपास है. तो इनकी जो पॉपुलेशन है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है. वेयर एज अगर आप इस साइड देखोगे कि तो एप तो 1000 हैं, ठीक है, चिंपैंजी सिर्फ 80 हैं, मंकी सिर्फ 20 हैं, तो कितना अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है. बट यहाँ पर अच्छी बात ये है कि यहाँ पर स्पीशीज ज़्यादा हैं, यहाँ हमें मंकी नहीं मिल रहा था, यहाँ हमें मंकीज़ की भी स्पीशीज़ मिल रही है, इसलिए स्पीशीज वाइज ये वाला फॉरेस्ट ज़्यादा रिच है. दैट इज़ वाई दिस इज स्पीशीज, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ स्पीशीज रिचनेस. आई होप आपको दोनों में डिफरेंस समझ आ गया होगा और ये पूरा कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा, ठीक है. तो ये सर्वे के बारे में आपको समझ आया, आपको डिफरेंस समझ आ गया, ठीक है. इतना ही आपको याद रखना है, ये कुछ वेटलैंड्स हैं जो कि पंजाब से बिलोंग करते हैं, इनके नाम भी आपको याद रखने हैं, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रेट बैरियर रीफ. ग्रेट बैरियर रीफ सबसे पहले तो कॉन्टेक्स्ट में इसीलिए है, न्यूज़ में इसीलिए आया था क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट स्ट्रेस की वजह से यहाँ पर कोरल ब्लीचिंग हो रही है. कोरल्स हमें पता है प्रेजेंट है और उनसे जब जू जैंथले निकल जाता है, जब वो एल्गी जो कोरल्स में प्रेजेंट होती है, जो कोरल्स को कलर प्रोवाइड करती है, वो इनसे स्ट्रेसफुल कंडीशंस की वजह से, हाई टेम्परेचर की वजह से उस कोरल के अंदर से निकल जाती है वो एल्गी जो उसको कलर देती है. वो निकलने के बाद वो कोरल जो है वो वाइट कलर का हो जाता है, उसी को हम कोरल ब्लीचिंग कहते हैं. कोरल ब्लीचिंग यहाँ पर हो रही है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशन फेस कर रहा है ये जो रीफ है, ठीक है. बैरियर रीफ विच इज़ अ टाइप ऑफ कोरल रीफ ओनली, ठीक है, बैरियर रीफ्स. तो हमें इसीलिए ये न्यूज़ में था क्योंकि कोरल ब्लीचिंग के केस, कोरल ब्लीचिंग यहाँ पर बढ़ रही है. अगर हम थोड़ा मैपिंग की पोर्शन की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है. So where is it situated? This is situated in Australia. This brief is situated in Australia. इसके eastern portion पे, ये Australia का map है, इसके eastern portion पे अगर हम देखें तो Great Barrier Reef situated है, जो कि बहुत ज़्यादा coral reefs का एक आप बोल सकते हो समूह है, ठीक है. यहाँ पर अगर आप देखें तो it spreads across length of 2300 kilometers, जो कि इटली के साइज जितना है, और इसमें बहुत सारे 3000 कोरल रीव्स है, कॉन्टिनेंटल आइलैंड्स हैं, फिर उसके बाद आपको फिशेस मिलेंगी, बहुत सारे शार्क्स मिलेंगे, तो बहुत सारी आपको मरीन बायोडायवर्सिटी भी इस एरिया में देखने को मिलेगी. और अगर ये यहाँ पर ऐसे रीजन्स को थ्रेट होता है तो वो पूरे पूरे इकोलॉजी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट होता है, ठीक है. और ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ये आपको याद रखना है. अगर आप कोरल रीव्स के बारे में बात करें तो आई एम श्योर ये आपको पता होगा, ये बहुत ईजी होता है. आपको पता है कि पॉलिप होते हैं, एक इंडिविजुअल को हम पॉलिप बोलते हैं, बट ये मिलियंस ऐसे फॉर्म हो जाते हैं तो हम उनको कोरल्स बोलते हैं, ठीक है. इन्हीं में जो जूज एंथले विच इज़ एल्गी, ये रहती है. ये क्यों रहती है? क्योंकि ये पॉलिप को खाना देती है, और पॉलिप क्या देता है वापस में इसको शेल्टर देता है, इसको रहने के लिए बेसिकली स्पेस प्रोवाइड करता है. इसलिए हम कहते हैं कि एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शेयर करते हैं, ठीक है. जब आप दोनों की हेल्प कर रहे हो, दो पार्टनर्स एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, तो उसको एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं, ठीक है. और इसी की मैंने बात करी कि जब ये जूज एंथले कुछ स्ट्रेसफुल कंडीशन की वजह से कोरल्स में से बाहर निकल जाता है, उसी को हम कोरल ब्लीचिंग भी बोलते हैं, और ये कोरल रीफ्स, ठीक है. सो आई होप द एंटायर थिंग इज क्लियर टू यू.
Moving ahead to our next topic, which is boundary dispute along Manipur and Nagaland border. Actually, northeast states में या फिर किसी भी hilly terrain में जहाँ पर बड़ा difficult होता है लैंड को डीमार्केट करना, स्पेशली क्योंकि वहाँ पर पहाड़ इतने होते हैं, तो लैंड्स को ना डीमार्केट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है. और ऐसे डिस्प्यूट्स, ऐसे बाउंड्री डिस्प्यूट्स, ऐसे लैंड डिस्प्यूट्स ब्रिटिशर्स के टाइम से चलते आ रहे हैं, और क्योंकि डिफ़िकल्ट है उनको डीमार्केट करना तो वो चलते ही आ रहे हैं. बट फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि डिस्प्यूट्स को सॉल्व किया जाए. उसी में से एक डिस्प्यूट है मणिपुर नागालैंड डिस्प्यूट. अगर आपसे डायरेक्टली मैं आपको शॉर्टली ये क्विकली बताना चाहूँ तो दिस एंटायर डिस्प्यूट रिवॉल्व अराउंड अ प्लेस कॉल्ड ज़ूको वैली. ज़ूको वैली आप यहाँ देख आएंगे मैप पे, ये नागालैंड का मैप है, ठीक है, और ये मणिपुर का मैप है. इन दोनों के बॉर्डर पे एक जगह है जिसको हम ज़ूको वैली कहते हैं. इसी लैंड की वजह से, इसी लैंड पे या इसी पीस ऑफ लैंड की वजह से, इस वैली रीजन की वजह से ही इन दोनों के में डिस्प्यूट है. वो कहता है मेरा, वो कहता है मेरा. और ये इसका हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में नहीं जा रहे. वी विल स्ट्रिक्ट आवर सेल्फ टू मैपिंग पोर्शन टुडे ओनली, ठीक है. तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर मैप में. उसके अलावा न्यूज़ में ये इसीलिए था क्योंकि नागालैंड ने बंद कर दिया था चीज़ों को. नागालैंड ने यहाँ पर बंद डिक्लेयर कर दिया था कि मणिपुर से कोई आना जाना नहीं होगा. तो लोगों को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी. जब अगर बॉर्डर बंद हो जाता है किसी एक स्टेट का तो दूसरे स्टेट पे आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है, राइट. सो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, इसलिए न्यूज़ में भी था. अगर हम ट्राइब्स की बात करें कि किन पर्टिकुलर ट्राइब्स के बीच में ये इशू है, तो देर आर थ्री ट्राइब्स जिनके बीच में ये पर्टिकुलर इशू है. ये ट्राइब्स के आप नाम याद रखिएगा, ठीक है. यू नेवर नो कि कैसे इनडायरेक्ट या कैसे घुमा के यूपीएससी क्वेश्चन पूछ ले. हो सकता है कि बॉर्डर के थ्रू ना पूछे, वो ट्राइब्स के थ्रू आपसे पूछ ले कि ये ट्राइब्स न्यूज़ में थी, किस चीज़ के रिगार्डिंग थी, ऐसे करके पूछ सकता है. तो ये ट्राइब्स आप याद रखें, अनगामी जो कि नागालैंड के ट्राइब्स है, उसके बाद मायोज और माराम्स जो है मणिपुर के ट्राइब्स है. इन ट्राइब्स के बीच में ये इशू है, दिस लैंड डिस्प्यूट इज देयर, ठीक है. ओके, सो ज़ूको वैली हम पढ़ चुके हैं. ज़ूको वैली इज द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द टू स्टेट्स, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा असम मेघालय बॉर्डर डिस्प्यूट. असम मेघालय बॉर्डर डिस्प्यूट इज अनदर डिस्प्यूट जो कि इन दो स्टेट्स के बीच में है. एक्चुअली सेम रीज़न है हिली टेरेन, सेम रीज़न है ब्रिटिशर्स के टाइम से चलता आ रहा है, ठीक. तो रीजंस वगैरह सेम है, बट थोड़ा सा हम क्योंकि मैप देख लेते हैं इसका क्विकली. तो हम देखेंगे यहाँ पर ये असम है, मेघालय है, दोनों बॉर्डर करते हैं, राइट. यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये पूरा ऊपर असम है और ये पूरा नीचे मेघालय है, ठीक है. मेघालय में आपको यहाँ पर सेंट्रल रीजन में एक लांगफी करके एक रीजन मिलेगा जो कि वेस्ट खासी हिल के पास है. ये जो है ये है मेजर प्रॉब्लम का, मतलब ये है मेजर प्रॉब्लम या ये है वो बोन ऑफ कंटेंशन जिसकी वजह से दोनों स्टेट्स के बीच में लड़ाई है. सो दिस इज़ द मेजर पॉइंट, दिस इज़ द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द टू स्टेट्स, ठीक है. जो कि एक डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ पड़ता है, वेस्ट गारो हिल्स में पड़ता है, करमपुर डिस्ट्रिक्ट के. डिस्ट्रिक्ट आपको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, डेफिनेटली वेस्ट गारो हिल्स में ये पड़ता है, ठीक है. सो और ये कॉलोनियल ब्रिटिशर्स के टाइम पे से चलता आ रहा है. पहले तो ये कमरूप डिस्ट्रिक्ट में पड़ता था, बट अब ये गारो हिल्स में पड़ता है आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है. तो ये ही बेसिकली आपको थोड़ा सा, आपको थोड़ा मैपिंग का आइडिया होना चाहिए, बॉर्डर का आइडिया होना चाहिए. जो लैंगफी करके जो प्रॉब्लम है वो वहाँ पर आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली कहाँ पर ये लोकेटेड है, कहाँ पर ये सिचुएटेड है, ये आपको पता होना चाहिए. बाकी हम अभी उसकी डिटेलिंग में नहीं जा रहे हैं कि क्या इशू है, कब से चलता आ रहा है, उसका पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसका पूरे ईयर्स. दैट इज़ नॉट आ पॉइंट ऑफ टुडेज लेक्चर. आर पॉइंट इज़ टू सी द मैपिंग पोर्शन स्पेशली, राइट. बट हमें पता है कि ये जो बॉर्डर इशूज हैं स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, इनके क्या मेजर रीजन्स हैं, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. अप नेक्स्ट वी हैव मेजर अपग्रेड फॉर इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर अलोंग LAC. LAC इज़ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. तो आपने कुछ वाइब्रेंट विलेज इंडिया इनिशिएटिव के बारे में सुना होगा. ये एक इनिशिएटिव है जो भारत सरकार ने लिया है, इंडियन गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है. आपने बहुत बार न्यूज़ में सुना होगा कि चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के आसपास बॉर्डर एरियाज़ के आसपास कुछ विलेजेस बना दिए, ठीक है. अरुणाचल प्रदेश में घुस के विलेजेस बना दिए, ठीक है. और बॉर्डर पर वो कुछ ना कुछ हरकतें करता रहता है. इसी चीज़ को काउंटर करने के लिए हमारी गवर्नमेंट भी एक इनिशिएटिव के साथ आई है, विच इज़ वाइब्रेंट विलेज इनिशिएटिव, ठीक है. इस इनिशिएटिव के तहत हम क्या करने वाले हैं कि जो बॉर्डर एरियाज़ हैं, जो हमारे और चाइना के बीच में जो बॉर्डर एरियाज़ हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ कि कौन से बॉर्डर एरियाज़ की मैं बात कर रही हूँ. तीन बॉर्डर एरियाज़ हम शेयर करते हैं. सबसे पहला वेस्टर्न सेक्टर जो कि अक्साई चिन वाला रीजन है, ये हम चाइना के साथ शेयर करते हैं. उसके बाद हम ये तिब्बत वाला जो रीजन है वो हम शेयर करते हैं
चाइना के साथ, उसके बाद जो मैकमोहन लाइन वाला या अरुणाचल प्रदेश वाला, जो यहाँ पर जो मैकमोहन लाइन है जो कि अरुणाचल प्रदेश वाली रीजन में है, वो वाला हम रीजन शेयर करते हैं चाइना के साथ। तो और इन्हीं तीनों जगहों पर हमारे कहीं कुछ ना कुछ डिस्प्यूट्स रहते हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट्स, राइट। और वो चाइना कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन भी करता रहता है। तो हमने भी सोचा कि हम कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे ताकि हम चाइना को काउंटर कर पाएँ, ठीक है, चाइना को काउंटर कर पाएँ और क्या कर पाएँ, जो बॉर्डर स्टेट्स पे जो लोग रह रहे हैं, जो ट्राइब्स रह रहे हैं, उनको भी हम कहीं ना कहीं हेल्प कर पाएँ। और हम हेल्प कैसे करेंगे, ये वाइब्रेंट विलेज इनिशिएटिव में होगा क्या? तो बेसिकली दो चीज़ें होंगी, दो चीज़ें हैं ये, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, सो देर आर टू थिंग्स। इस इनिशिएटिव के तहत हम दो चीज़ें करने वाले हैं, एक तो काउंटर चाइना, वी विल काउंटर चाइना, एंड सेकेंड वी विल हेल्प द बॉर्डर एरियाज और द बॉर्डर पीपल और द पीपल लिविंग ऑन बॉर्डर एरियाज, ठीक है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। उनकी कैसे हेल्प होगी? उनकी हेल्प इस तरीके से होगी, क्योंकि हमने ये प्लान किया है कि हम बॉर्डर एरियाज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोट करने वाले हैं, हम बॉर्डर एरियाज़ के लोगों को, बॉर्डर एरियाज़ के जो विलेजेस हैं, जो शहर हैं, जो गांव हैं, कुछ भी हैं, हम वहाँ पर बिजली प्रोवाइड करने वाले हैं। सो इलेक्ट्रिफिकेशन वी आर गोइंग टू डू, टूरिज्म वी आर गोइंग टू प्रमोट, इंफ्रास्ट्रक्चर वी आर गोइंग टू प्रोवाइड, अलॉन्ग विद दैट एजुकेशन हम वहाँ के लोगों को देने वाले हैं। तो इन ऑल अगर हम ये सब चीज़ें बॉर्डर एरियाज़ पे दे देते हैं तो हमारे बॉर्डर एरिया स्ट्रांग होंगे, हमारे बॉर्डर एरिया से माइग्रेशन नहीं होगा, ठीक है, ये सब चीज़ें ओवरकम कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं बॉर्डर एरिया जब हमारे स्ट्रांग होंगे तो हम चाइना को काउंटर कर पाएंगे, राइट। तो ये दोनों ही जो हमारे ड्रीम्स हैं वो फुलफिल हो जाएंगे अंडर विच इनिशिएटिव, वाइब्रेंट विलेज इनिशिएटिव। और यही है जो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हम प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं अलोंग LAC, ठीक है। हमने ये देख लिया है तीन रीजन्स हैं, जो तीन डिस्प्यूटेड रीजन्स हैं, बॉर्डर रीजन्स जो हम चाइना के साथ शेयर करते हैं। सबसे पहला हमने एक्साइचिन वाला पढ़ लिया है, फिर हमने मैकमोहन लाइन वाला पढ़ लिया है, ठीक है, हमने तिब्बत वाला भी देखा। हालांकि तिब्बत में हमारा एक कहते हैं हमने चीज़ें डिमार्केट कर रखी हैं, बट चाइना कहता है कि हम इस डिमार्केशन को, हम आपकी डिमार्केशन को नहीं मानते हैं। तो खैर, दैट्स वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट। सो इट इज़ द तिब्बत रीजन एंड अक्साइचिन, वे ऑलरेडी डन अक्साइचिन वाला रीजन जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आप मैप देख लीजिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है सुएज़ कैनाल। सुएज़ कैनाल एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा ट्रेड हमारे वर्ल्ड का इस कैनाल से होकर जाता है, ऑलमोस्ट 12% ऐसा कहते हैं, यू नो इट इज़ एस्टिमेटेड दैट 12% ऑफ द वर्ल्ड्स ट्रेड इज़ हैपनिंग थ्रू दिस कैनाल, ठीक है। और ये न्यूज़ में भी रहता है, अभी पिछले दिनों न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि आपने सुना होगा कि यहाँ पर एक बोट फंस गई थी इस सुएज़ कैनाल में, ऐसे हॉरिजॉन्टली फंस गई थी, तो आने जाने का रास्ता बंद हो गया था, इसलिए ये न्यूज़ में था। अभी ये न्यूज़ में क्यों है? अभी ये न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि जो ये बेसिकली इजिप्ट जो यहाँ पर सिचुएटेड है, इजिप्ट ने ना कुछ ट्रांजिशन फीस शिप्स पे थोड़ा इंक्रीज़ कर दिया है, इसलिए वो न्यूज़ में था। बट अगेन कॉन्टेक्स्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर। देखिए, कुछ न्यूज़ में हमारे लिए कॉन्टेक्स्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ न्यूज़ में हमारे लिए लोकेशन पे फोकस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो ऐसी न्यूज़ में लोकेशन पे ज़्यादा फोकस करना इंपॉर्टेंट है हमारा, तो हम लोकेशन पे ही फोकस करते हैं। हम सुएज़ कैनाल की लोकेशन देखते हैं डायरेक्टली। सो दिस कैनाल बेसिकली इज़ सेपरेटिंग द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, फ्रॉम द एशिया, ठीक है, ये यहाँ से इन दोनों को सेपरेट करती है, ठीक। हमने इसकी इकोनॉमिकल वैल्यू तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, राइट। ऑल्सो आपको इसके आसपास यहाँ पर इसके नीचे जो है आपको रेड सी देखने को मिलेगा, इसके ऊपर छोटा सा एरिया आपको देखने को मिलेगा सुएज़ कैनाल। मैं आपको थोड़ा सा इसको बड़े वाले मैप में दिखाना चाहूँगी। हाँ जी, तो ये रेड सी है, हमने देखा ये रेड सी है, उसके बाद छोटा सा आपको थोड़ा सा एरिया आपको दिखने को मिलेगा, ऐसे बहुत ही नैरो पैसेज है ये सुएज़ कैनाल, ठीक है, कोई ऐसा बहुत बड़ा एरिया नहीं है, बहुत नैरो पैसेज है। तो यहाँ पर आपको ये सुएज़ कैनाल देखने को मिलेगा, ठीक है, इसको और जूम इन कर दिया है, और ये इजिप्ट है यहाँ पर, ये इजिप्ट की नाइल रिवर है, ठीक है, इसको और थोड़ा कर दिया है हमने, तो ये सुएज़ कैनाल आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इसके ऊपर आपको मेडिटेरेनियन सी भी देखने को मिलेगा, तो आप इसको मेडिटेरेनियन सी के कॉन्टेक्स्ट में भी देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि मेडिटेरेनियन सी के कॉन्टेक्स्ट में भी जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि रेड सी कहाँ पर प्रेजेंट है, सुएज़ कैनाल कहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, तो आप उस हिसाब से भी इसको एक बारी देख लीजिए, ठीक है। वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। हाँ जी,
तो सुएज कैनाल के बारे में इतना ही हमें जानना ज़रूरी था, हमने कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज देख लिए, हमने जूम इन करके भी सारा देख लिया कि एग्जैक्टली ये कहाँ पर लोकेटेड है और क्या मुद्दा था इजिप्ट वाला, राइट, और हमने इसकी इंपॉर्टेंस को भी देख लिया। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट टॉपिक। ऑलराइट, नेक्स्ट टॉपिक इज फूल देही। फूल से आपको, अगर आप नॉर्थ इंडियन हैं तो फूल से आपको पता चल रहा होगा, फूल इज फ्लावर, ठीक है। तो दिस एंटायर टॉपिक इज गोइंग टू रिवॉल्व अराउंड फ्लावर। फूल देही क्या है? फूल देही एक बेसिकली आप बोल सकते हो कि एक फ्लावरिंग सीजन है जो उत्तराखंड में सेलिब्रेट होता है। उत्तराखंड में कहाँ सेलिब्रेट होता है? दो डिस्ट्रिक्ट में, गढ़वाल एंड कुमाऊँ। मैंने आपके लिए मैप यहाँ पर लगाया हुआ है, ये गढ़वाल डिवीज़न है, कुमाऊँ डिवीज़न है। गढ़वाल डिवीज़न में आपका रुद्रप्रयाग, चामोली और ये देहरादून वगैरह आते हैं, ठीक है। कुमाऊँ डिवीज़न में आपका नैनीताल, अल्मोड़ा और ये सब पिथौरगढ़ वगैरह आते हैं, ठीक है। ये दोनों डिवीज़न्स का डिस्टिंक्शन है, इनके कुछ आप डिस्ट्रिक्ट्स भी देख लीजिए, ठीक है। तो इसी में ये बेसिकली ये सेलिब्रेट किया जाता है, इन्हीं रीजन में सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें क्या होता है कि बेसिकली फ्लावर्स को आप अपने घरों के डोर स्टेप्स पे रख देते हैं, और ये रखते हैं इसलिए हैं, और इसका सिग्निफिकेंस ये है क्योंकि ये माना जाता है कि ये बहुत ना ऐसे आपको बहुत ज़्यादा क्या देगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्लरिशिंग होता है ये, बहुत ज़्यादा आपको आपके लिए प्रॉस्पैरिटी लेके आएगा आपके घर में अगर आप ऐसा करोगे तो, इसलिए ये लोग इसको मनाते हैं ऐसे करके, ठीक है। बट हमारे लिए थोड़ा सा मैप देखना ज़रूरी है, गढ़वाल और कुमाऊँ रीजन और उनके जो भी डिस्ट्रिक्ट हैं वो हमारे लिए देखना ज़रूरी था, जो हम देख चुके हैं, राइट। अब नेक्स्ट वी हैव साइक्लोन असानी। अगेन टू थ्री थिंग्स वी नीड टू नो अबाउट दिस साइक्लोन असानी। साइक्लोन असानी कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ फॉल किया, ये सब हम देख लेते हैं क्विकली। तो साइक्लोन असानी से आपको याद रखना है अंडमान निकोबार। तो हमारे यहाँ ये अंडमान निकोबार में आया था, बाकी अगर ये इसके हम फॉल की वो देखते हैं कि ये कहाँ जाके गिरा, तो वो हमारे कंट्री से नहीं बिलोंग करता, वो म्यांमार बांग्लादेश के रीजन तट पे जाके वो गिरा था। बट हमारे कंट्री से जहाँ होके गया था वो अंडमान निकोबार रीजन है। तो आप ये वाला पॉइंट इसमें ज़रूर याद रखें कि साइक्लोन असानी इज़ अंडमान निकोबार से वो होके गया था। अगर हम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की बात करें, हालांकि मैं बता चुकी हूँ ये फॉर्मेशन है, ये आए हैं यहाँ से, आए में लो प्रेशर होता है, यहाँ से वार्म एयर जाती है, कोल्ड एयर से मिलती है, रोटेट होता है और साइक्लोनिक फॉर्मेशन होती है। ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं तो मैं बार बार इसको रिपीट नहीं करूँगी। आप यू कैन गो टू द प्रीवियस स्लाइड्स एंड चेक इट आउट, राइट। साइक्लोन आसानी तो हम देख चुके हैं कि किस रीजन से रिलेटेड है, दैट वॉज ऑल अबाउट इट, राइट। नेक्स्ट इज, अब नेक्स्ट इज वेदांथंगल बर्ड सेंचुरी। बर्ड सेंचुरी फिर से, जैसे मैंने बताया, जैसे आपको स्पीशीज के टॉपिक कवर करने हैं वैसे ही सेंचुरीज वाले टॉपिक कवर करने हैं। मतलब सिर्फ दो चीज़ें पढ़नी है, दो चीज़ें क्या, एक तो लोकेशन और एक कोई स्पेशल फीचर उसके बारे में, ठीक है। तो लोकेशन हम क्विकली देख लेते हैं। दिस बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु में आपको इस वाले मैप में भी इसकी लोकेशन दिखा देती हूँ, ये इंडिया का मैप है, यहाँ पर ये बर्ड सेंचुरी लोकेटेड है इन तमिलनाडु। ये बाकी पूरे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का मैप है, ठीक है, बट ये बर्ड सेंचुरी यहाँ पर लोकेटेड है। मैंने बेसिकली इसके लिए ये मैप लगाया है, ठीक है, ताकि आपको एक कॉन्टेक्चुअली आपको पता चल जाए कि एग्जैक्टली क्या कहाँ पर लोकेटेड है। इसी मैप को अगर हमने इलाबोरेट किया तो दिस इज द तमिलनाडु का मैप एंड दिस इज वेयर दिस बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड। ऑलराइट, ओके, सो दिस सेंचुरी वॉज नोटिफाइड एज रिजर्व फॉरेस्ट 1882 में। रिजर्व फॉरेस्ट को की तरह भी हमने इसको नोटिफाई कर दिया था। ये एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में हमने इसको सेंचुरी डिफाइन किया, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे लैंड और वाटर बर्ड्स हैं, इसीलिए हम इसको बर्ड सेंचुरी कहते हैं डेफिनेटली, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल हम कुछ नाम देख लेते हैं, पिनटेल, गागने, ग्रे बैक टेल, ब्लू विंगेड, टील, ठीक है, कॉमन सैंड पाइपर, ये सब कुछ बर्ड्स के नाम हैं। आप बर्ड्स के नाम याद रख सकते हैं क्योंकि इस बार यूपीएससी ने पूछ लिया था, कुछ नाम दे दिए थे और फिर पूछा था कि बर्ड्स हैं या ये एनिमल्स हैं या कौन से स्पीशीज़ हैं, तो हम वो बर्ड्स थे एक्चुअली। तो आप अगर ये एक बारी देख लीजिए, इनके नाम आप याद रख सकते हैं। तमिलनाडु लैंग्वेज में हम इसको हैमलेट ऑफ द हंटर भी बोलते हैं, राइट। सो और ये न्यूज़ में इसीलिए था क्योंकि कुछ आप बोल सकते हो कि यहाँ पर हमें कुछ जैसे हर जगह देखने को मिल रहा है कि यहाँ की इकोलॉजी को हमें थ्रेट देखने को मिल रहा है, तो वहीं वो भी हमें एग्जैक्टली यहाँ पर देखने को मिला था, इसलिए ये न्यूज़ में था। बट अगैन दैट्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट, स्पेशली फॉर अ प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव के लिए हमारे लिए जानना है इम्पॉर्टेंट लोकेशन और अगर कोई इम्पॉर्टेंट फीचर या स्पीशीज़ वहाँ पर लोकेटेड हैं तो वो, ठीक है। तो तमिलनाडु आप याद रखिए,
पर्टेनिंग टू वेदाथंगल बर्ड सेंचुरी. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट टॉपिक एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे इज पेंसिलुम्पा ग्लेशियर. ग्लेशियर्स अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर पे पिछले साल ही यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, तो यू नेवर नो, ग्लेशियर्स पे फिर से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ग्लेशियर वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये जस्कर, जो कि लद्दाख, यहाँ पर आप देखेंगे लद्दाख रेंज जो है, ये जो जस्कर रेंज है यहाँ पर ये ग्लेशियर सिचुएटेड है. ठीक है, अगर हम इस जस्कर रेंज की बात करें तो इट इज़ अ यूनियन टेरिटरी, हमें पता है, जो कि लद्दाख में सिचुएटेड है और ये 33 हिमालय का पार्ट है. 33 हिमालय या 33 सी के बारे में आपने सुना होगा. आपको पता है कि ये यूरोपियन प्लेट था और ये इंडियन प्लेट था. हमें पता है बीच में 33 सी था. ठीक है, इंडियन प्लेट का जब कंप्रेशन हुआ यूरोपियन प्लेट की तरफ तो 33 सी जो है ख़त्म हुआ और क्या बने? हिमालयाज बने. ठीक है, हिमालयाज बने. ठीक है, इसलिए हम इनको 33 हिमालयाज भी बोलते हैं. ठीक है, ये इसका थोड़ा सा जियोलॉजिकल फिनोमेना मैंने आपको बताया है. राइट, अगर हम थोड़े से मैपिंग पोर्शन पे आ जाते हैं क्विकली. मैपिंग पोर्शन में हम देखेंगे कि ये है इंडस रिवर जो कि टिबेटन प्लेटो से निकलती है. इसकी शोक और नुब्रा जो हैं, शोक नुब्रा ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस रिवर की. आपको ट्रिब्यूटरीज करनी है, ब्रह्मपुत्र, गंगा, इंडस, कावेरी, इन चारों के तो आपको ज़रूर करने हैं. बाकी अगर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ में है तो वो भी आपको कवर कर रहा है, उनके ट्रिब्यूटरीज आपको डेफिनेटली प्रिपेयर करने हैं. ठीक है, अलॉन्ग विद दिस ये ग्रेटर हिमालयाज हैं यहाँ पर. ठीक है, ये कुछ पासेज हैं, आपको पासेज भी देखने हैं, जोजिला पास वगैरह. ठीक, सो एंड दिस इज पैंगोंग लेक, यहाँ पर सिचुएटेड है, काफ़ी न्यूज़ में रहती है. चाइना और हमारे बीच में इसका डिस्प्यूट है करके इसलिए ये न्यूज़ में रहती है. ठीक है, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पास, काराकोरम पास. ये पूरा जो वाइट में एरिया आपको दिखाया हुआ है, दिस इज द लद्दाख वाला रीजन एंड दिस इज जम्मू वाला रीजन. ठीक है, जम्मू कश्मीर. ठीक है, तो दिस वॉज अबाउट द ग्लेशियर और इसकी लोकेशन भी मैंने आपको दिखा दी है. ठीक है, ग्लेशियर्स वाले भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि सियाचिन के बारे में पूछ लिया है, तो आपको थोड़ा सा एक रफ आइडिया होना चाहिए कि कहाँ पर वो सिचुएटेड है. ठीक है, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर. आई होप इट वॉज हेल्पफुल टू यू, आई होप आपको हेल्प होगा, आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी. ठीक है, हम अप्रैल के प्लेसेस इन न्यूज़ की भी वीडियोज़ लेकर आएंगे. टिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच. Oh, no.